Hey everyone, this is and back to the बहुत ही अपकमिंग यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सो so, आज के सेशन के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स कवरअप करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन uh, की अगर हम बात करें तो उसका एप्लीकेशन हम लोग देखने वाले हैं सारी के सारी यूनिट से रिलेटेड भी इस बिजनेस एनवायरमेंट इंटरनेशनल बिजनेस अकाउंटेंट सी इकोनॉमिक्स फाइनेंस सारी यूनिट्स आज के सेशन के अंदर हम लोग रिवाइज करेंगे चलिए ज्वाइन कर जाइए आज के सेशन के अंदर सो द आई कैन स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर सेशन एंड आई होप आपके एंड पे ऑडियो वीडियो सारी चीजें क्लियर आ रही होंगी वेरी गुड आफ्टरनून रीता हेलो जitali चलो जल्दी से ज्वाइन कर जाओ ताकि हम स्टार्ट कर सके आज के इस सेशन को तो मेनली कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देंगे आज के सेशन के अंदर कॉन्सेप्ट रिविजन करेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा जो अहम है किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए आज के टाइम पे यूजीसी नेट की बात करूं तो रिविजन आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है मैं बार बार जैसे बोलती हूँ अपने को चार बार कम से कम तीन से चार बार रिविजन कराना है तो एक मैं आपके लिए स्टेप ले रही हूँ आज रिविजन करेंगे राधे राजे काजल जी गुड आफ्टरनून श्वेदा गुड आफ्टरनून एस नूर चलो स्टार्ट करते हैं की. तो ऐसी एक्टिविटी जो एक पर्सन परफॉर्म करता है टूवर्ड्स द एंड हमारा मुद्दा क्या है प्रॉफिट कमाना जैसे मान लो मैं कुछ भी एक्टिविटी कर रही हूँ मैं खाली यहाँ पे आई हूँ ये बॉटल लिया मैंने और मैंने आपको ये बॉटल बेच दिया टुवर्ड्स दी एंड मेरा मुद्दा क्या था पचास में बोतल खरीदी सौ में आपको बेच दू तो मेरे को प्रॉफिट कमाना मेरा मुद्दा था तो मैं क्या कर रही हूँ मैं बिजनेस कर रही हूँ अब मैं किसी भी तरीके का जब बिज़नेस करूंगी तो मेरे इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझ पे इम्पैक्ट डालेंगी चाहे मेरे बिजनेस के अंदर जो लोग हैं यानी जिसको मैं कहूँ जो मेरे एम्प्लॉयीज होते हैं या मेरे कस्टमर्स हो गए या मेरे सप्लायर्स हो गए या मेरे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए या मेरे कॉम्पिटिटर्स हो गए या जो गवर्नमेंट हो गई है जो टेक्नोलॉजी हो गई इतनी सारी चीज़ें हैं जो मेरे बिज़नेस पे इम्पैक्ट डालती है तो हम कहते हैं ये मेरे बिजनेस का क्या है ये मेरे बिज़नेस का एनवायरनमेंट है तो बिज़नेस एनवायरनमेंट क्या हो गया वो फोर्सेज वो फैक्टर्स वो इंस्टीट्यूशन जो मेरे बिज़नेस की डे टू डे फंक्शनिंग को इफ़ेक्ट डालने की कोशिश करते हैं इसके अंदर आपके कस्टमर टर सप्लायर गवर्नमेंट सोशल पॉलिटिकल लीगल टेक्नोलॉजिकल फैक्टर ये सारी चीजें हमारी इंक्लूड कर जाएंगी बिजनेस एनवायरमेंट की बात करें तो मेजरली हम अपने बिजनेस एनवायरमेंट को दो प्रकार से दो uh, टाइप्स में बांटते हैं कौन कौन सा एक हमारा हो गया बच्चा इंटरनल इन्वायरमेंट जिसको हम कहते हैं दिस इज कंट्रोलेबल इन नेचर हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं हमारे हाथ में है इंप्लॉयीज़ की स्किल हो गया हमारी खुद की पॉलिसीज हो गया हमारे खुद के प्लान्स हो गया इसको हम कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हैं एंड दूसरा होता है हमारा एक्सटर्नल इन्वामेंट जो हमारे हाथ में नहीं होता है ये ऐसा इन्वायरमेंट है जिसको हम एज अ बिजनेस कंट्रोल नहीं कर सकते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को हम दो भागों में बांटते हैं एक होता है हमारा माइक्रो एनवायरमेंट जिसको आप टास्क एनवायरमेंट के नाम से भी जानते हैं या जिसको आप इमीडिएट एनवायरमेंट के नाम से भी जानते हैं इस एनवायरमेंट के अंदर हमारे सप्लायर्स हमारे कस्टमर्स हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ये लोग सारे इंक्लूड होते हैं इस एनवायरमेंट को हम कहते हैं ये इमीडिएट इफेक्ट डालता है मेरे बिजनेस के ऊपर मान लो मैं ये बॉटल्स बना के बेचने का बिजनेस कर रही थी तो यहाँ पे अगर मेरे को सप्लायर्स नहीं मिलेंगे या कस्टमर्स नहीं मिलेंगे तो एक इमीडिएट इम्पैक्ट डालेगा ये मेरे बिजनेस के ऊपर नेक्स्ट आ जाता है हमारा मैक्रो एनवायरमेंट जिसको आप पेस्टल एनवायरमेंट के नाम से भी जानते हैं यानी पोलिटिकल इकोनॉमिकल सोशल टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स सारे इसके अंदर इंक्लूड होते हैं तो बिजनेस जो है दो एनवायरमेंट हो गए एक इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरमेंट में दो भाग है माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरमेंट नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग तीन तरीके की हमारे पास में इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकॉनमी सोशलिस्ट इकॉनमी मिक्सड इकॉनमी इंडिया को बताओ जरा इंडिया कौन सी तरीके की इकॉनमी है कैपिटलिस्ट इकॉनमी की बात करें तो एक ऐसी इकॉनमी जहां पे सारे के सारे मीन ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेट हैंड्स के अंदर रहते हैं इस तरीके की इकॉनमी को हम कहते हैं ये एक कैपिटलिस्ट इकॉनमी है प्राइसेस जो है वो सारे के सारे मार्केट में जितनी डिमांड हो रही है मार्केट की डिमांड का कर्व कैसा होता है इस तरीके का मार्केट की सप्लाई का कर्व कैसा होता है इस तरीके का तो ये जो पॉइंट होगा ये हमारा प्राइस एंड डिमांड को डिटरमाइन करेगा तो ये हो गई आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यहाँ पे हम जो बिजनेस करते हैं जो भी एक्टिविटीज करते हैं जो भी प्रोडक्शन करते हैं वो सारा प्रॉफिट मोटिव को मद्देनजर रखते किया जाता है गवर्नमेंट का किसी तरीके का कोई रोल नहीं होता है बहुत भयंकर कंपटीशन एग्जिस्ट करता है और जो आप कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है ना वो बहुत ज्यादा अनइकवल है यानी अमीर बहुत ज्यादा अमीर है गरीब बहुत ज्यादा गरीब है ये तो हो गई आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सोशलिस्ट इकोनॉमी वो होती है जहां पे सारी की सारी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आपकी केवल गवर्नमेंट के हैंड्स के अंदर रहती है यानी पब्लिक ओनरशिप जहां पे होती है प्राइसेस भी भी केवल कौन डिसाइड करेगा आपकी सेंट्रल सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी यानी जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज किया गया है वो ही डिटरमाइन करेंगे यहाँ पे बिजनेस करने का हमारा जो मुद्दा है वो प्रॉफिट नहीं होता है बल्कि सोशल वेलफेयर होता है सोसाइटी का अपलिफमेंट होता है कंप्लीट रोल होता है गवर्नमेंट का यहां पे हर एक चीज गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है कितना प्रोडक्शन करना है किस प्राइस पे सेल करनी है ये सारी चीजें गवर्नमेंट डिसाइड करती है कोई कॉम्पिटिशन यहाँ पे नहीं होता है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कहीं ना कहीं इक्वल होता है क्योंकि सारी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन गवर्नमेंट के हैंड्स में रहती है तीसरी तरीके की इकोनमी हमारे पास में आ जाती है मिक्स इकोनॉमी जहां पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरीके की ओनरशिप एग्जिस्ट करती है प्राइसेस सेंट्रल प्लानिंग भी डिसाइड कर रहा है यानी जो मींस ऑफ प्रोडक्शन गवर्नमेंट के हाथ में है वो गवर्नमेंट प्राइसेस डिसाइड करेगा और जो मींस ऑफ प्रोडक्शन आपके प्राइवेट हैंड्स में है वो मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस के ऊपर प्राइसेस डिसाइड करेगा प्रॉफिट मोटिव भी रहेगा और वेलफेयर मोटिव भी रहेगा जैसे इंडिया के अंदर है आप देखिए गवर्नमेंट भी काम कर रही है वेलफेयर मोटिव के लिए एंड प्राइवेट भी काम कर रहा है अपना प्राइवेट मोटिव के लिए पूरा रोल पब्लिक सेक्टर का फुल रोल रहेगा पब्लिक सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट का प्राइवेट सेक्टर के अंदर लिमिटेड रोल रहता है कॉम्पिटिशन केवल और केवल प्राइवेट सेक्टर में एग्जिस्ट करता है इनइक्वालिटी रहेगी बट अगेन इसके कंपेरिजन में यहाँ पे इनइक्वालिटी इनकम में कम हो जाती है लोगों की नेक्स्ट आ जाते हैं जो हम बात करते हैं इकोनॉमिक एनवायरमेंट की यहाँ पे हमारे पास में दो टॉपिक्स आ जाते हैं एक है मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरा है हमारे पास में फिजिकल पॉलिसी तो मॉनेटरी पॉलिसी की मैं बात करूं तो किसकी पॉलिसी होती है मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है हमारा आरबीआई बी आई दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू जो आरबीआई है वो क्या करने की कोशिश करता है हमारी इकोनॉमी के अंदर प्राइस स्टेबिलिटी लेकर के आता है कि महंगाई ना होने पाए यानी अनयूजअल प्राइस राइजेस ना हो कि आज कोई चीज मैं सौ रुपए की खरीद रही हूँ कल वो अचानक से ढाई रुपए की हो जाए थोड़ा बहुत चेंजेस आर एक्सेप्टेबल लेकिन प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करने की हम बात करते हैं हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं हम सस्टेनेबल ग्रोथ प्रमोट करते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज तो मुझे ग्रोथ दिख रहा है और कल को अचानक से मार्केट बैठ जाए एनवायरमेंट को हार्म पहुंच जाए ऐसा नहीं है तो मॉनिटरी पॉलिसी के तहत जो आर है वो मार्केट के अंदर प्राइस लेवल को आप कह सकते हैं फ्लक्चुएशन कंट्रोल करने की कोशिश करती है इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ लाने की कोशिश करती है एंड फुल एम्प्लॉयमेंट लाने की कोशिश करती है जॉब ग्रोथ हो गया अनएम्प्लॉयमेंट जो आपके अनस्टेबल सिचुएशंस की वजह से हो रही है उस सारी चीज़ों को हम कंट्रोल करने की बात करते हैं तो सेंट्रल पॉलिसी ये सारे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए कवर अप करने के लिए बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल करती है पहले हो जाते हैं क्वांटिटेटिव जिनको आप जनरल या इनडायरेक्ट टूल्स के नाम से जानते हैं और दूसरे होते हैं क्वालिटेटिव जिसको आप डायरेक्ट या सेलेक्टिव टूल्स के नाम से भी जानते हैं आरबीआई की आरबीआई को और किस कमेटी के थ्रू आरबीआई आया था चलो कमेंट सेक्शन में लिखो मुझे अब अगर मैं बात करूं क्वांटिटेटिव टूल्स की तो क्वांटिटेटिव टूल्स बच्चा वो टूल्स होते हैं जहाँ पे हम कुछ ना कुछ रेट्स फिगर्स के अंदर चेंजेस करते हैं और इसके थ्रू मार्केट के अंदर प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करने की बात करते हैं और क्वालिटेटिव वो चीज़ें होती हैं जहाँ पे हम क्या करते हैं कहीं ना कहीं आर कमर्शियल बैंक्स के ऊपर प्रेशर बना के कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर के आके हमारी इकोनॉमी के अंदर प्राइस स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करती हैं तो अगर हम क्वांटिटेटिव टूल्स की बात करें मॉनेटरी पॉलिसी के जो कि सेंट्रल बैंक यानी हमारे लिए आरबीआई लेकर के आता है तो सबसे पहले हो जाता है हमारे लिए सी आर आर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सबसे पहला जो टूल है हमारे पास में दैट इज सी आर आर कैश रिजर्व रेशियो मुझे जल्दी से कोई ये बताएगा करंट रेट क्या है सी आर आर का सी आर आर क्या होता है कमर्शियल बैंक के पास में जो डिपॉजिट्स होती हैं हम और आप जो कमर्शियल बैंक के अंदर डिपॉजिट देते हैं यही डिपॉजिट होती है ना जो कमर्शियल बैंक लोन के तौर पर दूसरे लोगों को देता है तो ये डिपॉजिट्स का वो हिस्सा जो एक सेंट्रल बैंक के पास आपको रखना पड़ेगा कैश रिजर्व्स के फॉर्म में यानी सी क्या हो गया कमर्शियल बैंक्स के लिए डिपॉजिट्स का वो हिस्सा जो आप रखेंगे सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई के फॉर्म में कैश रिजर्व्स के फॉर्म में वो हो गया हमारे लिए सी आर आर कैश रिजर्व रेशियो अगर आर बी आई चाहे कि भाई मार्केट के अंदर मनी सप्लाई कम होनी चाहिए यानी ये लोन की तादाद मार्केट में कम होनी चाहिए तो क्या करेगा सी आर आर बढ़ा देगा तो अब आपको डिपॉजिट्स का एक बड़ा हिस्सा आर बी आई के पास रखना पड़ेगा तो आपके पास लोन देने के लिए पैसा कम से कम बचेगा ये हो गया एस क्या हो गया हमारी डिपॉजिट्स का वो हिस्सा जो हम लिक्विड असिट्स के फॉर्म में लिक्विड असिट्स कौन से असेट्स होते हैं जिनको आप अगले तीन महीने में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं लिक्विड असिट्स के फॉर्म में बैंक अपने खुद के पास में रखता है तो दो टूल्स हमने कवर अप किए कौन-कौन से पहला हो गया सीआरआर दैट इज कैश रिजर्व रेशियो यानी हमारे डिपॉजिट्स का वो हिस्सा जो हम आरबीआई के पास में कैश रिजर्व के फॉर्म में रखते हैं दूसरा क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव टेक्निक एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो हमारे डिपॉजिट्स का वो हिस्सा जो लिक्विड असेट्स के फॉर्म में हमें अपने ही पास मेंटेन करना है लेकिन इन फंड्स को आप लोन के तौर पे नहीं दे सकते अपने पास में रखना पड़ेगा हमें तो कैश रिजर्व रेशियो तीन से पंद्रह परसेंट के बीच में होता है अगेन आरबीआई इसको घटा बढ़ा सकती है इसी रेंज में और जो एसएलआर होता है वो पच्चीस से चालीस प्रतिशत की रेंज में होता है आरबीआई इसको घटा बढ़ा सकती है पच्चीस से चालीस प्रतिशत या तीन से पंद्रह प्रतिशत किसका डिपोजिट का क्यों नेक्स्ट देखिए अब आएंगे हम लोग दूसरे हमारे क्वांटिटेटिव uh, रेट्स के ऊपर दैट इज बैंक रेट जबी भी आर बी आई भैया जो कमर्शियल बैंक है चाहे ये पी की बात करिए आप आप एस की बात करिए या कोई भी कमर्शियल बैंक इनको जब भी लोन चाहिए होता है तो ये किसके पास जाते हैं भाई आर के पास जाते हैं और कहते हैं भाई मुझे लोन दे दो आर कहता है ठीक है हम आपको लोन देंगे लेकिन एक रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे चार्ज करेंगे तो आर पूछता है पहले कि अगर आपको ये लोन चाहिए लॉन्ग टर्म में तो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम आपको लोन देंगे वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया बैंक रेट अच्छा अगर बैंक्स को ही हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिलने लग जाए तो बदले में वो हमें लोन भी महंगा देगा तो हम लोन कम लेंगे मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो इस तरीके से बैंक रोट को रेट को बढ़ा या घटा करके आरबीआई क्या करता है मार्केट में प्राइस स्टेबिलिटी या आप कह सकते हैं मनी मनी सप्लाई को कम्बैट करने की कोशिश करता है यही लोन अगर आरबीआई से आप शॉर्ट टर्म में तो किस रेट ऑफ लेकिन और कहूं आरबीआई मुझे लोन चाहिए तो आरबीआई कहेगा ठीक है लोन ले लो लॉन्ग टर्म के लिए लोन चाहिए तो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दूंगा बैंक रेट पे शॉर्ट टर्म में लोन चाहिए तो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दूंगा रेपो रेट अब ये जो एस बी आई है ये कह रहा है कि भाई हमेशा हमें गरीब समझाए क्या कभी कभी हमारे पास भी पैसा ज्यादा होता है जब मेरे पास पैसा ज्यादा होगा तब हम क्या करेंगे हम कहेंगे यार आर बी आई तुम मुझसे लोन ले लो चलो आर बी आई के पास अपने एक्सेस फंड्स को पार्क कर देती है अब आरबीआई से कह रहे हैं अब तुम हमें इंटरेस्ट दो आर कह रहे हैं ठीक है अब हम तुम्हें जो इंटरेस्ट देंगे तुमने जो अपना पैसा मेरे पास रखा है उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कहेंगे हम रिवर्स रेपो रेट कहेंगे ये तीनों रेटों के बीच में कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन ले रहा है लॉन्ग टर्म में बैंक रेट शॉर्ट टर्म में ले रहा है रेपो रेट एक्सचेंज फंड्स अपना दे दे रहा है आरबीआई को तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कमर्शियल बैंक को आरबीआई देगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया रिवर्स रेपो रेट ठीक है रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट ही हमने अभी कवर अप कर लिया नेक्स्ट आ जाते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनस होते हैं इनके पास में गवर्नमेंट की बहुत सारी सिक्योरिटीज़ होती हैं जैसे ट्रेजरी बिल्स और ये सारी चीज़ें होती हैं बहुत सारी अब आरबीआई को जब ऐसा लगता है कि मार्केट में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है या बहुत कम है तो वो क्या करता है ओपन मार्केट ऑपरेशन करता है यानी ये जो इन लोगों के पास में सिक्योरिटीज होती हैं या ये लोग ये जो सिक्योरिटी खरीदते हैं आरबीआई के थ्रू इसको बाइंग एंड सेलिंग करता है अब मान लो आरबीआई को ये लग रहा है कि भाई अच्छा तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है इकोनमी के अंदर तो एक काम करो ये लो सिक्योरिटीज और इसको खरीदो तो अब हम क्या करेंगे जैसे ही आरबीआई आया और आरबीआई ने अपनी सिक्योरिटी सेल किया तो ये जो बड़े बड़े बैंक्स होते हैं ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये आरबीआई की सिक्योरिटीज को क्या करते हैं परचेज करते हैं अच्छा जब आरबीआई की सिक्योरिटीज परचेज कर दी तो पैसा तो आरबीआई के पास चला गया तो मार्केट से मनी सप्लाई नीचे आ गई आपकी ठीक ये हो गया ओपन मार्केट ऑपरेशन उल्टा भी कर सकता है आरबीआई उल्टा कैसे करेगा अगर उसको लग रहा है मार्केट में मंदी की सिचुएशन आ रही है जिसको आप डिफ्लेशन की सिचुएशन कहते हैं। ऐसा कुछ हो रहा है तो आरबीआई क्या करेगा? बोलेगा कि यार देखो मैं परचेज कर रहा हूं सिक्योरिटीज तुम लोग आओ और मुझे ये सिक्योरिटी बेचो अपनी बदले में मैं तुम्हें क्या दूंगा पैसा दूंगा पैसा दिया मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई अगेन ये इसको क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं के द्वारा ओपन मार्केट ऑपरेशन करने की कोशिश करना नेक्स्ट आएंगे हम लोग कुछ होते हैं आपके क्वांटिटेटिव टूल्स आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के क्वांटिटेटिव सॉरी क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव टूल्स क्या हो गए अब जैसे हमारे घर वाले होते हैं ना अगर आप उनसे कहो कि मम्मी बाहर जाना है हमें तो मम्मी कहेंगी नहीं बाहर नहीं जाना है फिर अगर कहो कि नहीं हमें तो जाना है तो क्या कहेंगे हाँ हाँ हमारी बात कहाँ सुनोगे तुम लोग ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे इमोशनल ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं ये ही सेम काम आरबीआई करता है बैंकों के साथ में उसको हम वो सारी जो टूल्स एंड टेक्निक्स है वो क्वालिटेटिव के अंदर आती है आपकी आ, ये वाली भी नहीं विजिबल है रुक अच्छा चलो अभी ठीक है रैशनिंग ऑफ क्रेडिट पहली हो गई आपकी टोल रैशनिंग ऑफ क्रेडिट करना सर्टेन अमाउंट अब देखो क्या होता है ये जो बैंक्स है

लोन दे रहे हैं तो उसमें से 20% से ज्यादा इस सेक्टर को मत दीजिए 40% इस सेक्टर में लोन देना ही है आपको तो आरबीआई क्या कर रहा है अभी मार्केट को बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहा है कि जहां पैसा बहुत ज्यादा है वहां से पैसा कम और जहां पैसा है ही नहीं वहां पे पैसे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है इसको कहते हैं राशनिंग ऑफ क्रेडिट करने की कोशिश करना यानी मैनेज करना ऐसा ना हो कि पता चल रहा है एक सेक्टर डेवलप हो जाए दूसरा सेक्टर ना हो नेक्स्ट देखो बच्चा क्या लिखा हुआ है मार्जिनल रिक्वायरमेंट के अंदर चेंजेस करने की कोशिश करना मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है जब आप बैंकों से लोन लेने जाते हैं जैसे आप दस लाख का लोन लेने गए बैंक से तो फ्री में तो देता नहीं भाई बदले में क्या रखता है कुछ ना कुछ गिरवी रखता है अब मान लो कि आप लोन लेने गए हो आरबीआई से और आपके पास में जो असेट है गिरवी रखने के लिए वो है बीस लाख आरबीआई ने कहा ठीक है 20 लाख की असेट पे हम आपको 18 लाख का लोन देंगे हमने कहा ठीक है अब कल को ये मार्जिन रिक्वायरमेंट चेंज कर दे बोले 18 लाख का लोन चाहिए तो 22 लाख का असेट गिरवी रखना पड़ेगा मार्जिन की रिक्वायरमेंट बदल दी अब होगा क्या अगर मेरे पास 22 लाख का असेट नहीं है तो मैं लोन ही नहीं लूंगी इस ऐसा करके भी आरबीआई मार्केट से मनी सप्लाई कम या ज्यादा करने की कोशिश करते हैं अब इसको पंद्रह भी कर सकता है वो तो हम ज्यादा लोन लेने लग जाएंगे सस्ता लोन अगर हमें मिलने लग जाए तो एक ये तरीका हो गया मार्केट से मनी सप्लाई को कम करने की कोशिश करने के लिए दूसरा होता है कंज्यूमर के क्रेडिट को रेगुलेट करना जैसे इंस्टॉलमेंट हो गया डाउन पेमेंट हो गया लोन की जो वैधता होती है ड्यूरेशन होती है ये पहले से डिसाइडेड होती है अब आरबीआई अगर आपको सस्ता लोन देने लग जाए बोले भाई तीस साल तक लोन पे करना इंटरेस्ट भी बहुत कम लेंगे ऐसा कुछ चेंजेस कर दे तो हम तो बहुत ही ज्यादा लोन लेने लग जाएंगे सो अगेन दिस इज नोन एज अगेन अ टेक्निक ऑफ मॉनिट्री पॉलिसी एंड दूसरा हो गया मोरल सुवेशन करने की कोशिश करना रूल्स एंड रेगुलेशन कि नहीं तुम्हें तो दस बजे के बाहर घर से बाहर नहीं निकलना है ऐसा कुछ कर रहे है? हो गया ना हम तो नहीं निकलेंगे ना डर के मारे रूल्स एंड रेगुलेशन लगा देना किसके ऊपर लगाएगा आर कमर्शियल बैंक के ऊपर नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग हमारी फिजिकल पॉलिसी के ऊपर फिजिकल पॉलिसी हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है यानी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की वो पॉलिसी जिसके तहत गवर्नमेंट क्या करती है बजट बनाती है और इस बजट के थ्रू मार्केट के अंदर यानी आप कह सकते हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर क्या करती है ग्रोथ रेट मेंटेन करेगी इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाने की कोशिश करती है मेन मुद्दा होता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना डेवलपमेंट करना पर कैपिटल इनकम के ऊपर काम करना ये सारी चीजें करना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारी इकोनॉमी में लोगों को बढ़ाने की कोशिश करना बैलेंस ऑफ पेमेंट ये जो इनइलिटी है ना इनकम्स की इसको रिड्यूस करने की कोशिश करना जो आपकी फिजिकल पॉलिसी होती है दो प्रकार की होती है एक होती है एक्सपेंशनरी दूसरी होती है कॉन्ट्रैक्शनरी एक्सपेंशनरी पॉलिसी वो होती है जब हमारी गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है पैसा डालो मार्केट के अंदर यानी मार्केट में पैसा नहीं है पैसा बढ़ाओ बजट में एक सेक्टर को आप देखिए बहुत ज्यादा एलोकेशन कर दी जाती है जैसे अभी एमएसएमई सेक्टर्स वगैरह के ऊपर फोकस था आपका एग्रीकल्चर फिर अभी आप देखिए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाला सेक्टर है उस पर गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा फोकस है उस सेक्टर के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रही है गवर्नमेंट इसको कहते हैं एक्सपेंशनरी पॉलिसी करने की कोशिश करना कॉन्ट्राडिक्टी पॉलिसी क्या होता है जब सॉरी क्या होता है जब हम मार्केट से मनी सप्लाई हटाने की कोशिश करें यानी जब हम स्पेंडिंग कम करें किसी इकोनॉमी के अंदर किसी सेक्टर के अंदर अगेन ये गवर्नमेंट हर साल बजट लेकर के आती है जिसके थ्रू हम करते हैं नेक्स्ट देखिए टूल्स क्या क्या होते हैं भाई ये जो फिजिकल बजट है इसके अंदर किन टूल्स की वजह से मदद से मार्केट की मनी सप्लाई कम जाने यानी एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन की हम बात करते हैं एक हो गया टैक्सेशन आप देखिए टैक्स ज़्यादा लगा तो बंदा पता चल रहा है पहले ही नहीं कर पा रहा है कुछ काम तो टैक्सेशन एक हो गया पब्लिक स्पेंडिंग दूसरा हो गया इन दो चीजों की मदद से मार्केट के अंदर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्राइस लेवल बैलेंस ऑफ पेमेंट ग्रोथ रेट ये सारी चीजें अपन कम्बैट करने की कोशिश करते हैं तो फिजिकल डेफिसिट और फिजिकल सरप्लस दो शब्द आते हैं सरप्लस कौन सी सिचुएशन जब गवर्नमेंट के बजट में स्पेंडिंग कम है इनकम ज्यादा है गवर्नमेंट की इनकम कैसे होती है टैक्स कलेक्ट करती है गवर्नमेंट और डेफिसिट बजटिंग कौन सी होती है जब हम स्पेंडिंग ज्यादा करते हैं हमारी इनकम कम होती है चलो मुझे कौन बताएगा हमारे यहाँ पे जो बजट बनता है इंडिया के अंदर वो डेफिसिट बजटिंग है या सरप्लस बजटिंग हाँ जी बिल्कुल मॉनेटरी पॉलिसी भी एक्सपेंशनरी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी होती है हेलो जगदीश चलो बच्चा मुझे बताओ जल्दी से इंडिया में फिस्कल बजट डेफिसिट बजट बनता है या सरप्लस बजट बनता है नेक्स्ट आएंगे अगला टॉपिक है हमारे पास में पेमा एंड FERRA फेरा की अगर हम बात करें तो कब आया 1973 के अंदर आया था 81 सेक्शंस थे आउट ऑफ विच 32 टू सेक्शन जो है वो ऑपरेशन से रिलेटेड थे बाकी सारे सेक्शन पेनाल्टी अपील ये सारी चीजों से डील करते थे फैमैक् so, की बात करें तो 49 नाइन सेक्शन है यहाँ पे ये पहले वाला जो एक्ट था ये क्रिमिनल एक्ट था क्रिमिनल लॉ था यानी इसके अंदर किसी को बोल दिया ना कि आपने फॉरन एक्सचेंज से रिलेटेड कुछ घपला किया है या कुछ तो वो बंदा क्रिमिनल ट्रीट कर लिया जाता था ये वाला अभी वाला जो एक्ट है ये सिविल लॉ है यानी अगर आपने कुछ घपला किया है या कुछ तो बहुत रेयर इम्प्रेजेंटमेंट मिलती है पेनाल्टी लगती है मेजर केसेस के अंदर ये जो एक्ट है ये सारी ही ऑर्गेनाइजेशन एजेंसीज इंडिया एंड इंडिया के बाहर जो भी हैं उनके ऊपर अप्लाई करता था सेम गोज विद दिस एक्ट एज वेल कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के ऊपर फेमा अप्लाई करता है पहले वाला एक्ट इनके बारे में चर्चा नहीं करता था नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो फेमा था यहाँ पे आपका आप कह सकते हैं एक्सटर्नल ट्रेड को एनकरेज करने की बात करी और ये वाला जो एक्ट था इसको हम ड्रैकोनियन एक्ट कहते हैं यानी ये एक्ट कहीं ना कहीं फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर बाधा डालने की कोशिश कर रहा था रुकावट डालने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे आप देखें तो जो कंप्लेनेंट है उसको फुल राइट right होता है लीगल हेल्प लेने का और यहाँ पे उसको हम पहले खुद ही ट्रेड कर लेते थे कि भाई ये तो कल्पोरेट है जब तक खुद को सही साबित ना कर दे यहाँ पे हम उसको कल्प्रिट नहीं समझता हम कहते हैं जब तक कि उसके ऊपर साबित नहीं होगा वो कल्प्रिट नहीं माना जाएगा यहाँ जो पावर्स वगैरह थी वो कहीं ना कहीं ऑफिसर्स के हाथ में होती है, यहां पे जो है वो पुलिस ऑफिसर्स के पास में रहती थी नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट दो के डिफरेंस के ऊपर हाँ जी फेरा की अगर आप बात करें तो उस टाइम पे फॉरेन एक्सचेंज पोजिशन कंपनी की उत, कंट्री की उतनी अच्छी नहीं थी जब फेरा आया था हालांकि जब तक फेमा आया तब तक की फॉरेन एक्सचेंज पोजिशन हमारी थोड़ी अच्छी हो गई थी प्री सॉरी पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा के अंदर हम लोग थे जहां पे हम लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे थे डब्ल्यू आया था जहाँ पे हम एक्सटर्नल ट्रेड प्रमोट करने की बात कर रहे थे तो ये जो रिस्ट्रिक्टिव एक्ट था ना फेरा 1973 का इसको हमें हटाने की हमने बात करी हमने फेमा एक्ट लाने की बात करी कि भाई एक ऐसा एक्ट होना चाहिए जो फॉरेन एक्सचेंज का केवल मैनेजमेंट कर रहा हो उसमें बाधा ना डाल रहा हो नेक्स्ट अगर हम देखें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया 2019 के अंदर सबसे पहले आया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर कंज्यूमर कौन होता है एक ऐसा पर्सन जो हमारे गुड्स को क्या कर रहा है कंज्यूम कर रहा है हो सकता है उसने मेरे गुड्स के कंजम्पशन के लिए पैसा दिया हो हो सकता है वो पैसा उसने ना दिया हो मेरे गुड्स के कंजम्पशन के लिए भाई मेरा कोई फ्रेंड ला करके मुझे गिफ्ट भी तो कर सकता है लेकिन मैं कंज्यूम करूँ बीमार पड़ जाऊँ या कुछ हो जाए तो कंप्लेन तो मैं कर सकती हूँ या मेरा फ्रेंड भी कंप्लेन कर सकता है जिसने वो पैसा यहाँ पे दिया था नाउ इफ आई टॉक अबाउट दे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 यानी जो पहले वाला एक्ट था 1986 वाला एक्ट था वो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर बात करता था जो भी गुड्स एंड सर्विसेस अगर एक मतलब खराब कंडीशन के प्रोवाइड कर दिए जाते हैं है, है, तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन के पास जाइए और उसकी कंप्लेन करने की कोशिश करिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन का सभी तरीके के गुड्स सर्विसेज के ऊपर अप्लाई करता था और यहाँ पे फ्री सर्विसेज को हम एक्सक्लूड करते थे मतलब बोल रहे है, फ्री में सैंपल मिला है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो नहीं नहीं तब तब मत कंप्लेन करो पैसा ही पैसे दिए मैंने 20 लाख घर बनवाने के पहले वाले एक्ट में ये कवर ही नहीं था उसने मेरा घर ठीक से नहीं बनाया मैं किसको को कंप्लेन करूँ तो बोल रहे ये भी इंक्लूड कर लिया शॉपिंग ऑनलाइन आजकल यार

मतलब वो चिप सॉर्ट ऑफ देती थी बोलती थी अपने फेस पर लगाओ और हफ्ता भर का शायद कुछ था कि हफ्ता भर हमारी क्रीम यूज करो और दो टोन तक गोरा निखार पाओ ऐसा कह के ऐड आता था अगर आप लोग को याद हो तो तो अब ये क्या लिख गया अपने आप लिख गया ना हमारा ऑटोमेटिक चलना है। तो वो ऐसा होता था बोलते हैं ये है एक पर्सन ने केस कर दिया कि भाई मेरा तो हुआ नहीं दो टोन तक गोरा निखा तो अभी कंपनी को जो है उसको डैमेज पे करना पड़ा उसने केस किया कंज्यूमर कि प्रोटेक्शन एक्ट के तहत तो अभी क्या है बोल रहे हैं इसको क्या कहते हैं इसको कहते हैं फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करना मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट देने की कोशिश करना अब आप करंट में देखिए तो फेर एंड लवली का ऐसा कोई ऐड नहीं आता ग्लो एंड लवली कर लिया अब उन्होंने तो अब नया वाला जो एक्ट है उसने तीन और चीजों को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में इंक्लूड किया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जब आप कंप्लेन करने जाते हैं तो वो कहते हैं कि एक बिल ले करके आओ। एक बिल लेकर के आओ जागो ग्राहक जागो का कैंपेन भी चला था टीवी पे एड आते थे जहां पे वो कहते थे कि जागो ग्राहक जागो आपको आपको बिल लेकर के आना है पक्का बिल लेना है आपको पर्सन से लेकिन कई बार आप देखिए आज भी होता है बहुत सारे सेलर्स होते हैं जो बिल ही नहीं देते हैं वो कहते हैं बिल नहीं है तो क्योंकि वो टैक्स की चोरी कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं तो बोल रहे हैं अगर फेलियर है बिल रिसिप्ट देने में तब भी ये अनफेयर रेट प्रैक्टिस होगा और आप इसके लिए कंप्लेन कर सकते हैं कि मुझे बिल इशू नहीं किया या अगर गुड्स वापस नहीं ले रहे हैं रिटर्न नहीं कर रहे हैं तीस दिन के अंदर अंदर तो भी आप कंप्लेन कर सकते हैं हमने कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन दी उनको भाई वो फॉर्म वॉर्म आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं ना नाम लेते हैं नंबर लेते हैं बिल बनाते टाइम मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन का गलत उपयोग कर लिया यहाँ पे तब भी मैं कंप्लेन कर सकती हूँ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत प्रोडक्ट लायबिलिटी के बारे में कोई बात नहीं हुई थी 1986 के एक्ट में 2019 के एक्ट में क्या कहा गया कि अगर प्रोडक्ट लाइबिलिटी के अगेंस्ट कोई भी क्लेम है चाहे वो मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट हो सर्विस प्रोवाइडर के अगेंस्ट हो या सेलर के अगेंस्ट हम कर सकते हैं कंपनसेशन भी इनके द्वारा मुझे मिलेगा अन कॉन्ट्रैक्ट्स का कोई प्रोविजन नहीं था क्या होता है ना ये जो सेलर्स होते हैं ना अलग अलग ये आपस में कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं बोलते क्या ना तुम पैसा कम करना ना हम पैसा कम करेंगे ये कस्टमर जाएगा कहाँ पचास में तुम बेच रहे हो पचास में हम बेच रहे हैं ये तो खरीदेगा ही खरीदेगा है तो ये अनफेयर इसका भी कॉन्सेप्ट लेके आए नाइनटीन सॉरी टू दो के एक्ट में कहा अगर ऐसा भी कुछ कर रहे हैं ना अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं चाहे रोम चाहे सप्लायर के साथ बना रहे हो चाहे सेलर्स आपस में बना रहे हो कोई भी बना रहा है इसके अगेंस्ट भी आप कंप्लेन कर सकते हैं 2019 के एक्ट के तहत कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स 1986 के एक्ट के तहत कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स का काम क्या होता था कंज्यूमर्स की राइट्स को प्रोटेक्ट करना हमारी राइट right क्या क्या होती थी कि हम जान सकें प्रोडक्ट के बारे में देख सकें प्रोडक्ट को ये सारी हमारी राइट right हुआ करती थी ये डिस्ट्रिक्ट स्टेट और नेशनल लेवल पे ये काउंसिल बनाई जाती थी नए अगर एक्ट की बात करें तो ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन आउट जो काउंसिल्स है एडवाइजरी बॉडीज बन गई हैं अब इनका काम प्रोटेक्शन और कंजम्पशन प्र, प्रमोशन और प्रोटेक्शन है ही है जो कंज्यूमर कंज्यूमर की राइट्स का था इसके साथ-साथ आप कह सकते हैं इनको अगेन पहले क्या होता था पहले ये केवल और केवल राइट्स को प्रमोट एंड प्रोटेक्ट करने के लिए आई थी अब ये एडवाइजरी बॉडीज के तरीके से आ चुकी हैं ये जो क, आप कह सकते हैं जो रेगुलेटर था वो पहले कोई भी नहीं था सी बी सी भी कर रहा था इसके अलावा ये क्या काम करेंगे कि ये चाहे तो किसी को भी सेफ्टी नोटिस कर दे कोई भी गुड्ड अगर इनको लगता है कि भाई वापस बुलवाना है ये वापस बुलवा सकते हैं बोल रहे हैं कि अगर आपने कोई एक्सेस में प्राइस जो है चार्ज कर लिया है तो ये ये भी आपको नोटिस इशू कर सकते हैं कि भाई रिइम्बर्स करो एक्स्ट्रा प्राइस जो चार्ज किया गलत प्राइस जो चार्ज किया गलत प्रोडक्ट जो बेचा गलत प्राइस के ऊपर ये सारी चीजें पेनाल्टी भी ये लगा सकते हैं पहले क्या होता था 1986 के अगर मैं एक्ट की बात करूं एंड 2019 के मैं एक्ट की बात करूं तीन काउंसल्स बनती हैं हमारे कॉन्करेंसी डिस्ट्रिक्ट स्टेट एंड नेशनल तीन फोरम्स कह लीजिए तीन काउंसिल्स कह लीजिए 1986 के एक्ट के तहत अगर कोई भी कंप्लेन होती थी अप टू तो, यहाँ पे अगर आप देखिए तो टू तो 20 लैक्स की जो कोई भी कंप्लेन होती थी उसको हम करते थे जाकर के कहां पे डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर 20 लैक्स से वन करोड़ की कंप्लेन हम करते थे कहां पे स्टेट फोरम के अंदर और मोर देन वन करोड़ की जितनी भी कंप्लेन होती थी वो हम जाते थे नेशनल फोरम पे करने के लिए 2019 की बात करें तो टू वन करोड़ की कंप्लेन सारी आ जाएंगी डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर वन से टेन करोड़ की कंप्लेन आ जाएंगे स्टेट फोरम के अंदर एंड मोर देन टेन करोड़ की जो आपकी की कंप्लेन है वो जाएंगे नेशनल फोरम के अंदर ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन कई बार इससे पुटअप किया गया है अब अगर हम बात करें ये जो आपकी कंज्यूमर प्रोटेक्शन के काउंसिल्स बनती हैं डिस्ट्रिक्ट फोरम पे स्टेट फोरम पे एंड नेशनल फोरम के ऊपर एक हो गया 1986 के एक्ट के तहत एक हो गया 2019 के एक्ट के तहत डिस्ट्रिक्ट फोरम पे एक पर्सन होता है जो कि डिस्ट्रिक्ट जज की पोजीशन के बराबर का पर्सन होता है जो मेरी डिस्ट्रिक्ट फोरम का हेड माना जाता है इसके अलावा दो और मेंबर्स होते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर स्टेट के अंदर एक पर्सन जो हाई कोर्ट के जज की, की पोजीशन के बराबर की क्वालिफिकेशंस रखता है उसके अलावा दो और मेंबर्स होते हैं इस फोरम फोरम के के अंदर के अंदर नेशनल एक पर्सन जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज की, की पोजीशन के बराबर का होता है इसके अलावा चार मेंबर्स और रहते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखें टू टू फोर इस तरीके से मेम्बर्स हैं दो दो और चार 2019 के एक्ट में क्या कहा गया जो पर्सन लीड कर रहा है वो कौन होगा डिस्ट्रिक्ट जज की पोजीशन का पर्सन इसके अलावा दो मेंबर्स और रहेंगे आपके फोरम के अंदर स्टेट फोरम की बात करेंगे तो हाई कोर्ट के जज की पोजीशन के बराबर का एक पर्सन होगा और इसके साथ में चार मेंबर्स होंगे नेशनल फोरम में अगेन एक आपका जो है सुप्रीम कोर्ट की जज की पोजीशन के बराबर का पर्सन और इसके साथ में चार और मेंबर्स रहेंगे तो अगर हम पोजीशन की बात करें मेंबर्स की दो चार चार हो गई है तो दे मेजर चेंज यहाँ पे किसके अंदर आया है आपके ये यहाँ पे पहले दो मेंबर्स थे और अभी चार मेंबर्स हो गए हैं पेनाल्टीज की अगर हम बात करें 1986 के एक्ट के तहत जो पेनाल्टीज होती थी वो 2000 से 10000 के बीच में होती थी एक महीने से तीन साल के बीच में हुआ करता था आज के टाइम पे अप टू थ्री इयर्स कर दिया यानी एक दिन का भी इमेंटमेंट हो गया है ये जो मिनिमम इमप्रेजेंटमेंट था ना कि मिनिमम एक महीने का तो हो गई होगा इस चीज को खत्म कर दिया गया है और जो आपकी पेनाल्टी है वो पच्चीस से एक लाख यानी पेनाल्टीज आप देखिए तो बढ़ा दी गई है एक कॉमर्स वेबसाइट्स वगैरह पहले इंक्लूड नहीं होती थी ऑनलाइन प्रोवाइडर्स जो होते थे वो इंक्लूड नहीं होते थे अभी ये भी इसके एम्बिट के अंदर आ चुके हैं नेक्स्ट आएंगे हम लोग कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कवरअप करेंगे कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गई जब भी एक पर्टिकुलर कंपनी है क्रिएट कहां से हुई है भाई सोसाइटी के द्वारा क्रिएट करी गई है कंपनी कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती खुद ब खुद जब तक हम उसको एक कंपनी बना ना दे यानी लेवल तक हम पॉइंट लेकर के चले ना जाए तो यहाँ पे अगर आप बात करें तो सी क्या हो गया किन कंपनीज पे सबसे पहले तो अप्लाई करता है सीएसआर हमारे लिए कोई भी कंपनी जिसका नेटवर्थ पांच करोड़ से ज्यादा है या जिसका टर्नओवर एक हजार करोड़ से ज्यादा है या जिसका नेट प्रॉफिट पांच करोड़ से ज्यादा है पिछले तीन सालों में किसी भी एक साल में क्या अगर उसका नेटवर्थ किसी भी एक साल में 500 करोड़ से ज्यादा हो गया या उसका टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा हो गया या उसका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा हो गया इनमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई उस कंपनी पे क्या हो जाएगा सी एस आर मैंडेटरी हो जाएगा सी एस आर मैंडेटरी होने का मतलब क्या हो गया कि अब आपको अपने पिछले सालों के प्रॉफिट्स का एवरेज निकालना है और उन एवरेज प्रॉफिट्स का दो प्रतिशत हिस्सा सी एसआर को डेडिकेट करना है यानी डोनेशंस वगैरह देनी है डोनेशंस वगैरह कहां देनी है आपको या तो पॉवर्टी हंगर हेल्थ के लिए ट्रेनिंग या वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए कुछ आप दे दीजिए या पीएम रिलीफ फंड में पैसा डाल दीजिए नेशनल हेरिटेज का कुछ ना कुछ आप प्रोटेक्शन कर दीजिए रूरल स्पोर्ट्स पैरालंपिक्स वगैरह में पैसा डाल दीजिए टेक्नोलॉजी इनक्यूबरेटर्स के लिए पैसा दा... दे दीजिए कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट लेके आ जाइए आर्म्ड फोर्सेस के लिए पैसा लगा दीजिए या कुछ इस तरीके के रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लेकर के आ जाइए एक्स वाई कुछ भी इस तरीके का करिए ये सारा कहां पे इंक्लूड हो जाएगा एक्टिविटीज़ में इंक्लूड हो जाएगा अभी तक जितने टॉपिक्स कवर अप करें एनी डाउट वेरी गुड आफ्टरनून नेहा चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल बिजनेस के कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हम कवरअप करेंगे इंटरनेशनल बिजनेस क्या हो गया कोई भी बिजनेस जो आप इंटरनेशनल बॉर्डर्स के थ्रू करने की कोशिश करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस की बहुत सारी थ्योरीज है हमारे पास में पहली है थ्योरी ऑफ मर्केंटलिज्म थ्योरी ऑफ मर्केंटलिज्म क्या कहती है कि एक्सपोर्ट एक कंट्री को ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए और इंपोर्ट कंट्री को कम से कम करना चाहिए क्योंकि जब वो एक्सपोर्ट करती है तो उसके पास में फॉरन रिजर्व आती है उसको उसको क्या करना है होल्ड करके रखना है यानी एक कंट्री अमीर तब मानी जाएगी वेल्दी तब मानी जाएगी जिसके पास में बहुत सारे गोल्ड रिजर्व वगैरह रहेंगे ओके, okay. so, पहला अगर आप देखें तो थ्योरी ऑफ मर्केंटलिज्म जिसको आप कमर्शियलिज्म थ्योरी भी कहते हैं क्या कह रही है ये थ्योरी स्टेट करती है नेशंस को अक्यूमुलेट करना है फाइनेंशियल वेल्थ गोल्ड के फॉर्म में फॉरेन रिजर्व्स के फॉर्म में और ये कैसे अक्यूमुलेट होगी जब आप ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे इंपोर्ट को इस थ्योरी ने डिस्करेज करने की बात करी दूसरी थ्योरी आती है एप्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी क्योंकि देखो यार अगर सारी कंट्रीज एक्सपोर्ट करती रहेंगे इंपोर्ट नहीं करेंगे तो एक्सपोर्ट करोगे किसको? दूसरी थ्योरी आती है एप्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी किसने दी एडम स्मिथ ने 1776 में ये थ्योरी देने की कोशिश करी अब अगर यहां पे हम देखें एप्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी क्या कहती है दो कंट्रीज है मान लो एक कंट्री एक्स सॉरी एक कंट्री ए एक कंट्री बी दोनों के पास मान लेते हैं एक एक लेबर है दो कमोडिटीज है कमोडिटी एक्स कमोडिटी वाई अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो क्या लिखा हुआ है अगर कंट्री ए एक लेबर को लगा के कमोडिटी एक्स बीस यूनिट प्रोड्यूस कर पाती है और उसी एक लेबर की मदद से अगर कमोडिटी वाई का प्रोडक्शन करती है तो दस यूनिट्स का प्रोडक्शन कर पाती है तो बेहतर तरीके से इसका मतलब हम कमोडिटी एक्स प्रोड्यूस कर पा रहे हैं इसी तरीके से जो कंट्री बी है वो एक लेबर को जब लगा रही है तो कमोडिटी एक्स दस यूनिट प्रोड्यूस कर पा रही है लेकिन कमोडिटी वाई को हम बीस यूनिट्स प्रोड्यूस कर पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे भाई फैक्टर्स और प्रोडक्शन लिमिटेड होते हैं तो कंट्री ए क्या करेगी कमोडिटी एक्स प्रोड्यूस करेगी और एक्सपोर्ट करेगी कंट्री बी क्या करेगी इस लेबर की मदद से कमोडिटी एक्स प्रोड्यूस करेगी और एक्सचेंज कर लेंगे ये दोनों आपस में दिस इज हाउ ट्रेड वुड बी पॉसिबल किसकी वजह से कौन सी थ्योरी है एब्सल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी गिवन बाय एडम स्मिथ तो ये थ्योरी क्या कहती है आपकी कि थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज वाज ए वर्ल्ड स्ट्रांग रिएक्शन जो रिस्ट्रिक्टिव पहले वाली पॉलिसी थी उसके बाद ये वाली थ्योरी हमने डेवलप करी नेक्स्ट थ्योरी आ जाते हैं थ्योरी ऑफ कंपेरेटिव एडवांटेज माय नेम इज बुश्रा मैम वॉट इज योर नेम ओके मैं तो बता दिया यार अपना आपने अपना नाम पी लिख कर रखा है खाली कंपेरिटिव एडवांटेज थ्योरी क्या कह रही है बोल रही है इट्स क्वाइट पॉसिबल कि अगर दो कंट्रीज हैं और दो कमोडिटीज़ हैं हो सकता है कंट्री ए इन दोनों ही गुड्स का प्रोडक्शन एक बेहतर तरीके से कर रही है कंट्री बी के कंपैरिजन में तो क्या इस सिचुएशन में ये लोग ट्रेड ही नहीं करेंगे तो हमने कहा बिल्कुल ट्रेड करेंगे क्यों करेंगे क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो लिमिटेड है ना अनलिमिटेड ना किसी के पास कैपिटल है अनलिमिटेड ना किसी के पास में लेबर है तो हम क्या करेंगे जिस में जिस प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में कंपैरेटिवली अपने से कंपैरिजन करेंगे कंपैरेटिवली मुझे जिसमें ज्यादा बेनिफिट है मैं उसको प्रोड्यूस करूंगी और दूसरी वाली चीज को मैं इंपोर्ट कर लूंगी क्योंकि मेरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जितने बेहतर तरीके से मान लीजिए इस कमोडिटी का प्रोडक्शन कर पा रहा है उतने अच्छे तरीके से इसका प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है तो मैं इसको प्रोड्यूस करूंगी और इसको एक्सपोर्ट करके बेनिफिट गेन करने की कोशिश करूंगी कौन सी थ्योरी कह रही है कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी किसने दी डेविड रिकार्डो ने देने की कोशिश करी प्रिंसिपल कंपेरेटिव एडवांटेज का स्टेट करता है कि एक कंट्री स्पेशलाइज करो देखो आप सब कुछ नहीं कर सकते प्रोडक्शन आप क्या करिए वो चीज प्रोड्यूस करिए वो चीज करिए जो आपको सबसे बेहतर तरीके से आप कर पा रहे हैं द प्रिंसिपल ऑफ कंपेरिटिव एडवांटेज का स्टेट करता है स्पेशलाइज करिए उस चीज के प्रोडक्शन में और उसको इंपोर्ट कर एक्सपोर्ट करने की कोशिश करिए जिसमें कंपेरिटिवली आपका एक बेहतर एडवांटेज है नेक्स्ट आएंगे अगली थ्योरी आती है ओहलिन की की थ्योरी एचओ थ्योरी पहली ऐसी थ्योरी थी जिसने बोला भाई दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है अभी तक हम जितनी थ्योरीज देख रहे थे उन्होंने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में केवल और केवल लेबर को कंसिडर किया था कि एक लेबर है उसको चाहे तो इस कमोडिटी के प्रोडक्शन में लगाइए या इस कमोडिटी के प्रोडक्शन में लगाइए हैक्शर ओले ने एक ऐसी थ्योरी थी जिसने कहा कि भाई हमारे पास दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है कौन कौन से अच्छा एक बार बताओ अगर आपके पास में एज अ कंट्री कैपिटल है ही नहीं गरीब कंट्री है कैपिटल नहीं है तो इवन इफ आपके पास में कोई स्पेशलाइजेशन है आप बेहतर तरीके से कोई गुड्स बना दे बना सकते हैं उसके लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट है क्या प्रोड्यूस कर पाओगे उस गुड्स को नहीं ना चाहिए तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो चाहिए ना इस थ्योरी ने क्या कहा कौन सी थ्योरी है हेक्शर ऑलिन की थ्योरी एच ओ की थ्योरी क्या कह रही है कि जो लेबर अबंडेंट कंट्रीज हैं जिनके पास में लेबर अनेकों प्रकार से है यानी बहुत ज्यादा लेबर है वो क्या करेगी लेबर इंटेंसिव गुड्स का प्रोडक्शन करेगी क्योंकि इनके पास लेबर है ना और इसको क्या कर देगी एक्सपोर्ट कर देगी जिन कंट्रीज के पास में कैपिटल अबंडेंट में है जैसे कि यूएसए जैसी कंट्रीज लेबर अबंडेंट में इंडिया जैसी कंट्रीज कैपिटल अबंडेंट में है तो हम कह रहे हैं हम कैपिटल इंटेंसिव गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे यानी वो गुड्स जिसमें कैपिटल लगेगा एंड इन गुड्स के प्रोडक्शन को करके इनको क्या कर देंगे हम एक्सपोर्ट कर देंगे कौन सी थ्योरी कह रही है एचओ की थ्योरी कह रही है नेक्स्ट अगर हम देखें कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो तुरंत मुझसे पूछ लीजिएगा ये आप रिविजन कर रहे हैं अभी एग्जामिनेशन सर पे है आपके तो ये मत सोचिएगा कि बीच में पूछ रहे हैं या कुछ जो दिमाग में आ रहा है तुरंत पूछते पूछते चलो साथ साथ रिविजन करते हुए चलो मेरे साथ में नेक्स्ट आ जाते हैं हम लियॉन्टिव के पैराडॉक्स के ऊपर लियोटिव जो थे इन्होंने करी भाई एक रिसर्च किसके ऊपर करी थी यूएसए के मार्केट के ऊपर इन्होंने कहा भाई एच ओ आपने करी एक स्टडी आपने एक थ्योरी दी आपने कहा कि यूएसए जो कि एक कैपिटल अमेंडमेंट कंट्री है अपने एग्जाम्पल भी लिया एच को इन्होंने कहा इन्होंने कहा यूएसए क्योंकि ये कैपिटल अबंडेंट कंट्री है आपने कहा है कि जो कैपिटल अबंडेंट कंट्री होता है वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स का प्रोडक्शन करता है और उसको एक्सपोर्ट करता है और जो लेबर अबंडेंट कंट्री होता है वो लेबर इंटेंसिव गुड्स का प्रोडक्शन करता है और उसको एक्सपोर्ट करता है अब इन्होंने लियॉन्ट ने एक रिसर्च करी यूएसए के मार्केट पे और इन्होंने देखा भाई यूएसए जो मेजर एक्सपोर्ट कर रहा है वो ऐसे प्रोडक्ट्स की है जो कि लेबर इंटेंसिव है इन्होंने कहा भाई ये तो उल्टी बात हो गई आपने तो कहा था कि जो कैपिटल अबंडेंट कंट्री होगी वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स का एक्सपोर्ट करेगी यहाँ तो उल्टी कहानी हो रही है यूएसए बीइंग अ कैपिटल अबंडेंट कंट्री वो लेबर इंटेंसिव गुड्स को एक्सपोर्ट कर रही है मेजरली रियलिटी में ऐसा हो रहा है तो अब लियोनटिप ने क्या कहा लियोनटिप ने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एचओ ने मिस कर दिया अपनी थ्योरी के अंदर वो थ्योरी वो पॉइंट क्या था इन्होंने कहा भाई आपने कहा कि लेबर इंटेंसिव कंट्री है तो लेबर इंटेंसिव गुड्स का प्रोडक्शन करेगी जिसके पास लेबर कम है वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स का प्रोडक्शन करेगी तो इन्होंने कहा भाई एक बारीक सा पॉइंट जो आपने मिस कर दिया वो ये कि लेबर भी कई कैटेगरीज का होता है एक होता है स्किल्ड लेबर अनस्किल्ड लेबर या फिर सेमी स्किल्ड लेबर इन्होंने कहा यूएसए हालांकि लेबर कम है लेकिन मेजर लेबर इनका स्किल्ड है इंडिया हालांकि लेबर बहुत है बट मेजर हमारा अनस्किल्ड लेबर है तो इवन इफ इनके पास लेबर कम था हाईली स्किल्ड लेबर था और उसी हाईली स्किल्ड लेबर की मदद से ये लेबर इंटेंसिव कुछ का प्रोडक्शन बेहतर तरीके से कर पा रहे थे और इसको एक्सपोर्ट कर रहे थे होपफुली ये दोनों थ्योरी समझ में आई होगी नेक्स्ट आते हैं आपकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी है रेमंड वर्नर ने ये थ्योरी देने की कोशिश करी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी क्या कहती है कि अगर कोई भी एक कंट्री है आज मान लेते हैं जैसे यूएसए है वो किसी गुड़ को प्रोड्यूस कर रही है और उसको एक्सपोर्ट कर रही है कल को इन्हीं गुड्स को यूएसए इंपोर्ट करने लग जाएंगे ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आज मान लीजिए यूएसए ने कोई इनोवेशन करी है ये गुड्स बनाया है और इससे आज इसको बतेरा प्रॉफिट हो रहा है यानी बहुत ही प्रॉफिट हो रहा है हमेशा तो नहीं होगा ना ये गुड्स बाकी लोग भी बनाने लग जाएंगे जब ये गुड्स बाकी लोग बनाने लग जाएंगे तो यूएसए के प्रॉफिट्स कम होने लग जाएंगे यूएसए एक दूसरे गुड्स का इनोवेशन कर देगा और फिर इस गुड्स को एक्सपोर्ट करेगा और ये पहले वाले गुड्स को इम्पोर्ट करने लग जाएगा इसको कहते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी यानी हम एक पर्टिकुलर टाइम पे जिस गुड्स को एक्सप्लो एक्सपोर्ट करते थे जैसे जैसे वो गुड्स का डेवलपमेंट होता है हम दूसरे उस उसी गुड्स को हम क्या करते हैं इंपोर्ट करने लग जाते हैं और एक दूसरे गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं जिसमें कंपैरेटिवली मुझे प्रॉफिट एज अ कंट्री ज़्यादा होता है वो तो कहते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी क्या कहता है स्ट्रेस करता है कि एक कंपनी जो एक्सपोर्ट कर रही है अपने प्रोडक्ट को लेटर ऑन क्या करेगी उस आ, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने लग जाएगी नेक्स्ट आ जाते हैं हम ईपीआरजी फ्रेमवर्क के ऊपर एथनोसेंट्रिक जियोसेंट्रिक पॉलीसेंट्रिक रीजियोसेंट्रिक सेंट्रिक जब भी हांजी बिल्कुल जब भी कोई भी कंपनी ईपीआरजी फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें एथनोसेंट्रिक अप्रोच क्या होती है देखो जब मैं आज आज मान लो मेरी कोई कंपनी है मैं बनाती हूँ भुजिया बीकानेर भुजिया बना रही हूँ मैं अब मेरा मन कर रहा है इसको इंटरनेशनल बिजनेस करने का यानी चलो भाई यूएसए चलते हैं कहीं चलते हैं और जाकर करके भुजिया बेच के आते हैं एथनोसेंट्रिक अप्रोच क्या कहेगी यूएसए गए या कहीं पर भी गए जो डिसीजन मेकिंग करी वो करी इंडिया के हिसाब से यानी एथनोसेंट्रिक अप्रोच क्या कहती है हम अपने प्रोडक्ट्स को उस कंट्री के हिसाब से अडॉप्ट नहीं करते जहाँ पे हम बिजनेस करने जा रहे हैं हम अपनी कंट्री के हिसाब से सारी चीज़ें करते हैं अपनी होम कंट्री के हिसाब से इस अप्रोच को कहते हैं एथनोसेंट्रिक अप्रोच ये पर्टिकुलर चीज Uh, काजल एचओ की जो थ्योरी है ना बच्चा जो भी हमने कवर अप करी उसी को टू फैक्टर थ्योरी उसी को एंडोमेंट थ्योरी कहते हैं ना वो उसी थ्योरी के नाम है टू फैक्टर्स यानी लेबर और कैपिटल फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी दोनों सेम ही सब सेम ही थ्योरी है नाम अलग अलग है बस पॉलिसिक अप्रोच क्या होती है कि आप जिस पर्टिकुलर कंट्री में जा रहे हैं ट्रेड करने के लिए उस कंट्री के हिसाब से प्रोडक्शन कर रहे हैं जैसे मान लो आप यूएसए में गए यूएसए के हिसाब से प्रोडक्शन कर रहे हैं गुड्स बेच रहे हैं यूएसए के हिसाब से सब कुछ कर रहे हैं जापान में गए तो जापान के हिसाब से सब कुछ करने लग गए यूएसए में मान लो हायर लेवल पोजीशंस पे आपने यूएसए के लोगों को बैठाला ताकि वो डिसीजन मेकिंग यूएसए के हिसाब से करें जापान गए तो हायर लेवल पोजीशंस पे जापान के लोगों को बैठाला आपने ताकि वो जापान के हिसाब से डिसीजन मेकिंग करें मार्केटिंग पैकेजिंग सब कुछ इन्हीं के हिसाब से आप करने लगे पहले एथनोसेंट्रिक में क्या कर रहे थे हम अपनी होम कंट्री के हिसाब से कर रहे थे मैं इंडिया की थी तो मैं जापान जा रही हूं मैं यूएसए जा रही हूं सब कुछ इंडिया के हिसाब से कर रही थी यानी हर एक डिसीजन के लिए मैं बैक भूम के पीछे इंडिया की तरफ देख रही हूं कि अच्छा इंडिया में तो ऐसे करते थे यहां पे भी ऐसे ही कर रहे हैं पॉलिसेंट्रिक में जैसा देश वैसा भेस वाली पॉलिसी अप्लाई होगी अब आ जाती है रीजियो सेंट्रिक अप्रोच देखो जो बहुत सारी कंट्रीज में जाने लग जाओगे ना बिजनेस करने पॉसिबल नहीं है कि हर एक कंट्री के हिसाब से अलग पॉलिसी बना लो हर एक कंट्री के हिसाब से अलग मार्केटिंग अलग अलग सारा डिसीजन सब कुछ करने लग जाओ पॉसिबल नहीं है ना ये सारी चीजें करना तो हम क्या करेंगे रीजियो सेंट्रिक अप्रोच के अंदर रीजन में बांट दो यानी ये एशिया ये अफ्रीका इस तरीके से अब एशिया की कंट्रीज़ के लिए डिसीजन मेकिंग एशिया के हिसाब से अफ्रीका के हिसाब से डिसीजन मेकिंग अफ्रीका के हिसाब से यहाँ पे हायर लेवल पोजिशन पे एशिया के लोगों को बैठा लोगे क्योंकि ये एशिया का मार्केट बेहतर समझ सकते हैं जो भी मार्केटिंग वगैरह सब कुछ एशिया के हिसाब से होगा अफ्रीका में सब कुछ अफ्रीका के हिसाब से होगा कौन सी अप्रोच है सेंट्रिक अप्रोच है नेक्स्ट अप्रोच आएगी जियोसेंट्रिक अप्रोच यहाँ पे कह रहे हैं भाई रीजन नहीं कंट्री नहीं कुछ नहीं पूरे के पूरे वर्ल्ड को एक सिंगल मार्केट की तरीके से ट्रीट करेंगे वही प्रोडक्ट बनाएंगे वही स्ट्रेटजी अपनाएंगे पूरा वर्ल्ड लेवल पे काम करेंगे ये जो फ्रैगमेंटेशन ऑफ बाउंड्रीज है ना इसको हमें क्या करना है खत्म कर देना है इसको कहते हैं क्या इसको कहते हैं जियो अप्रोच होना e पी आर जी फ्रेमवर्क एथनोसेंट्रिक में सारी चीजें होम कंट्री के हिसाब से पॉलीसेंट्रिक में सारी चीजें होस्ट कंट्री के हिसाब से रीजियो में रीजन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे जियो में पूरे वर्ल्ड को सिंगल मार्केट की तरीके से ट्रीट करेंगे हम जहां पे पूरे वर्ल्ड में सबसे सस्ता प्रोडक्शन होगा प्रोडक्शन में वहां जाके करूंगी एप्पल करता है चाइना में प्रोडक्शन डाला हुआ था उन्होंने कंपनी है कैलिफोर्निया की क्यों किया था रीजियो सॉरी जियो अप्रोच इन्होंने

एग्जाम्पल्स है जब भी एक कंट्री ट्रेड करने की कोशिश करती है तो उसके पास में उसको दो तरीके के बैरियर्स फेस आते हैं पहला होता है टैरिफ बैरियर दूसरा होता है नॉन टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर क्या होता है जब भी एक पर्टिकुलर जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर जो भी इम्पोर्ट्स होती हैं उसके ऊपर दो तरीके की बाधाएं दो तरीके की बैरियर्स लगते हैं टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर ठीक है टैरिफ बैरियर क्या हो गए आपके वो बैरियर्स जो कि गवर्नमेंट लगाती है टैक्सेस के फॉर्म में जैसे कस्टम ड्यूटी वगैरह ये सारी चीजें इससे गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ रेवेन्यू जो है वो जनरेट होता है ये बहुत हाई प्रॉफिट मेकिंग होती है गवर्नमेंट्स के लिए क्योंकि भाई अगर गवर्नमेंट कह रही है दस प्रतिशत हम चार्ज करेंगे तो आप दस करोड़ का अगर इम्पोर्ट करेंगे तो गवर्नमेंट के लिए दस प्रतिशत का रेवेन्यू जनरेट करेंगे आप हाई प्रॉफिट मेकिंग केवल प्राइस इफेक्ट होगा यहाँ पे अगर आप ऑब्वियसली गवर्नमेंट को ज़्यादा दे रहे हैं तो ओपन मार्केट में प्राइस अपना बढ़ा देंगे प्रॉफिटेबल रहने के लिए नॉन टैरिफ बैरियर ऐसे बैरियर होते हैं जो गवर्नमेंट लगाती है लेकिन यहाँ से गवर्नमेंट को किसी तरीके का रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है जहाँ पे जैसे गवर्नमेंट कभी कई बार क्वॉंटिटी रिस्ट्रिक्ट कर देती है कहती भाई आप इम्पोर्ट कर सकते हो लेकिन दस हज़ार क्वान्टिटी से ज़्यादा इम्पोर्ट नहीं कर सकते गवर्नमेंट को कोई रेवेन्यू नहीं हो रहा कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा लेकिन यहाँ पे स्टिल रिस्ट्रिक्शन लग रही है दिस रिस्ट्रिक्शन इज नोन एज नॉन टैरिफ बैरियर यहाँ पे प्राइस भी इफेक्ट होगा क्वान्टिटी भी इफेक्ट होगी क्योंकि अगर मैं कम इंपोर्ट करूंगी मार्केट में डिमांड ज्यादा है तो प्राइस ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा प्राइस तो इफेक्ट होगा ही होगा यहाँ पे उसके साथ साथ क्वांटिटी आल्सो इज़ गेटिंग इफ़ेक्टेड नेक्स्ट आएंगे हम लोग एफ डी आई देखने की कोशिश करेंगे यहाँ तक के सेशन में किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी पानी पीने फिर आगे बढ़ाऊंगे जब भी कोई फॉरेन कंपनी या कोई फॉरेन इंडिविजुअल किसी भी इंडियन कंपनी में या इंडिया में आ करके मोर देन टेन परसेंट

और करके के इन इंडिविजुअल्स ये बहुत सारे आप कह सकते हैं इंडिविजुअल्स होते हैं ना ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स आ करके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी भी इंडियन कंपनी अच्छा इंडियन कंपनी में मैंने लिख दिया अप टू टेन परसेंट यानी यहां पे दस प्रतिशत से कम इन्वेस्टमेंट हम कर रहे होते हैं ये क्या होता है ये होता है एफ आई आई डिटेल में अभी मैं डिस्कस करूँगी ठीक इसी तरीके से कोई भी फॉरेन इंडिविजुअल या या कंपनी कंपनी इंडिया में आती है या इंडियन में आती आती इंडियन है और आकर के पोर्टफोलियो बनाए इन्वेस्टमेंट्स का बहुत सारी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते तो हम कहेंगे वो क्या कर रही है एफ पी आई करने की कोशिश कर रही है जैसे मानो हीरो होंडा हुआ यहां पे एक कंपनी बाहर की थी एक कंपनी इंडिया की थी आए मिल करके एक बिजनेस कर रहे हैं तो इस नई वाली कंपनी के अंदर या इस इंडियन कंपनी के अंदर जो बाहर की कंपनी है इसका 10 प्रतिशत से ज्यादा स्टेक था 50 हो सकता है हो सकता है एक नया आपने एम एन सी यहाँ पे सेटअप कर लिया मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशन अपने यहाँ पे ब्रांचेस सेटअप करते हैं अगेन वो भी एफ डी आई का हिस्सा होता है यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव एक कंपनी का होता है ओनरशिप एक्वायर करने की कोशिश करना हम ओनरशिप एक्वायर करने के लिए ये करने की कोशिश करते हैं क्या होते हैं कई बार जैसे हम लोग है ना म्यूचुअल फंड्स का नाम सुना होगा मेरे ख्याल से सबने म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं हम और आप छोटे 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 ये फंड्स होते हैं ये ऐसे इकट्ठा किए जाते हैं ये म्यूचुअल फंड्स कंपनीज क्या करती हैं इसको मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं। इस फंड को हम कहते हैं ये क्या है म्यूचुअल फंड है अब म्यूचुअल फंड्स अलग अलग तरीके के होते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो प्राइवेट कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं इसी तरीके तरीके से कोई भी इस इस का फंड फंड क्रिएट किया हमने और इस को ले जाके किसी भी फॉरेन मार्केट में मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो इसको इस फॉरन मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो यहाँ पे क्या हुआ है फॉरन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट हुआ है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए तो बाहर का कोई फंड हुआ यूएसए यूएस कहीं का से क्रिएट हुआ यानी बहुत सारे ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे इन्होंने मिल के एक फंड क्रिएट किया और ला करके इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दिया अप टू 10% स्टॉक का तो ये क्या हो गया ये हो गया मेरा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट हो गया कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ पे किसी को एफ के अंदर और 汉鸡。漢字

पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या हो गया जब आप आए और आकर के आपने बहुत सारी सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर दिया यानी मेरे पास में दस हजार रुपए थे मैंने कहा भाई ये दस हजार रुपए में मैं रिलायंस का भी शेयर खरीदूंगी मैं एम का भी शेयर खरीदूंगी मैं ये भी खरीदूंगी मैं वो भी खरीदू यानी मैंने एक पोर्टफोलियो बना लिया एक बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर दिया ये काम फॉरन में जाके करूंगी तो क्या हो जाएगा फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो गया एफ क्या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करो किसी भी कंट्री किसी भी कंपनी के अंदर किसी भी कंट्री के अंदर बड़ा इन्वेस्टमेंट ओनरशिप करना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया एफ आई आई क्या हो गया छोटे चुट छोटे इन्वेस्टर्स ने मिलकर के एक फंड क्रिएट किया इस पूरे फंड को ले जाके किसी फॉरेन मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दिया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट हो गया और अगर कोई फॉरेन इंडिविजुअल या कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में आती है और आ करके एक पोर्टफोलियो बना लेती है इन्वेस्टमेंट का यानी बहुत सारे पैसे को अपने अलग अलग मार्केट अलग अलग सिक्योरिटीज अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर देती है थोड़ा 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 नहीं प्रसाद बांट देती है सब में तुम भी ले लो तुम भी ले लो तुम भी ले लो दिस इज नोन एज फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करना ये तीनों समझ में आए होंगे एफडीआई की बात करें तो दो तरीके से हो सकता है FDI, एक होता है ऑटोमेटिक रूट जहां पे आपको कोई अप्रूवल अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती है एक होता है गवर्नमेंट रूट जहां पे अप्रूवल लेने की जरूरत पड़ती है आपको बाकी ये तीनों पॉइंट्स हम कवर अप कर चुके हैं नेक्स्ट आ जाते हैं हम ग्लोबलाइजेशन और उसकी ड्राइवर्स के ऊपर हाँ जी आनंद हम लोग सारी की सारी यूनिट्स का आज रिवीजन करने की कोशिश कर रहे हैं मैक्स टू मैक्स जितना भी हो पाएगा मैं आज आपको रिवाइज कराऊंगी और इसका एक और सेशन मैं भी शेड्यूल करूंगी यानी ये मैराथन आपके चलते रहेंगे अब ग्लोबलाइजेशन की बात करेंगे हम ग्लोबलाइजेशन और उसके ड्राइवर्स देखने की कोशिश करेंगे की तरीके से ट्रीट करने की बात कर रही हूं तो मैं क्या कर रही हूं मैं यहां पे ग्लोबलाइजेशन करने की कोशिश कर रही हूँ ग्लोबलाइजेशन के ड्राइवर्स क्या हो गए वो चीजें जो ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देते हैं ड्राइव करने की कोशिश करते हैं पहला अगर मैं देखूं तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया ड्राइवर्स जो ग्लोबलाइजेशन के हैं ये इसमें सबसे पहला टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है देखो आज हम लोग टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है आज मैं सोचूं अगर मुझे यूएसए जाना है जापान जाना है तो बहुत इजी हो गया है लोगों के लिए गुड्स के लिए ट्रैवल करना आज बहुत इजी हो गया क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारी बहुत एडवांस कर गई है ट्रेड बहुत ज़्यादा हो रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की हम बात करें आज मैं आप अगर आप मार्केट उठ के जाइए तो आपको दिखेगा मेजर जो गुड्स आपके इर्द गिर्द होंगे वो सारे के सारे फॉरिन ब्रांड्स हैं ट्रेड इतना ज़्यादा हो रहा है इंडिया की चीज़ें हम बाहर भेज रहे हैं बाहर की चीज़ें हम यहाँ लेकर के आ रहे हैं तो इंटरनेशनल

की वजह से से ये सारी चीजें आज 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 पॉसिबल हो हो रही है है एक तो यार कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन बहुत हो रहा है। आज पहले आपको कम्युनिकेशन अगर किसी से करना होता था तो हमारा हो ही नहीं पाता था कॉल अवेलेबल नहीं थी इंटरनेट फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी चिट्ठी लिखनी पड़ती थी दूसरे कंट्री में डिमांड है या नहीं है मेरे प्रोडक्ट की ये जानना बहुत मुश्किल हो जाता था आज के टाइम पे कितना ईजी है यार वहां से प्रोडक्ट मैं मंगा रही हूँ यहाँ पे इम्पोर्ट हो रहा है सो गवर्नमेंट के कंट्रोल्स भी पहले बहुत ज़्यादा हुआ करते थे हमारी डिमांड यार बहुत बढ़ गई है आज आज ना हम लोग इतनी डिमांड करते हैं अपने प्रोडक्ट्स की बाहर के प्रोडक्ट्स की यहाँ पे बैठे हुए और कह रहे हो मुझे एप्पल चाहिए जो इंडिया में अभी लॉन्च भी नहीं हुआ मैं दुबई से वो एप्पल यहाँ पे मंगा रही हूँ एप्पल का फ़ोन मतलब है ना एप्पल वो खाने वाला नहीं तो वो मैं मंगा रही हूँ क्या हो गया कंज्यूमर की डिमांड बढ़ती चली जा रही है इसको कम बैट करना पड़ रहा है अगर नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉस्ट की ड्यू टू दी एडवास इन कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज जो है वो लोकल आप कह सकते हैं लोकेशंस uh, के ऊपर भी जाती है जो है जो कि लेस एक्सपेंसिव एक 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 अगेन कॉस्ट एक फीचर एक हो गया मार्केट कहीं ना कहीं क्या होता है जब आप एक मार्केट के अंदर वर्क करते हैं तो ये मार्केट धीरे धीरे सेचूरेट हो जाता है भाई एक मार्केट में लिमिटेड लोग हैं लिमिटेड कस्टमर्स हैं आपने एक बार उनको सर्व कर दिया अगर आपको ग्रो करना है तो क्या करना पड़ेगा इंटरनेशनल मार्केट जाना पड़ेगा ये अगेन एक चीज है ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दे रही है एंड कॉम्पिटिशन भाई बहुत इंक्रीज कर रहा है नेक्स्ट आएंगे मोर्ड ऑफ एंट्री क्या क्या है इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर हाँ जी बिल्कुल प्लेलिस्ट अवेलेबल है आनंद और ये क्लास मेरी रोजाना एक बजे चलती है इसी चैनल के ऊपर यूजीसी नेट अड्डा के ऊपर ठीक है डेली एक बजे मैं आपको कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बहुत सारी चीजें कवरअप कराती हूँ तो आप लोग डेली जुड, जुड़ा करिए इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर मोस्ट ऑफ एंट्री की बात करेंगे हम इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर यानी किन किन जरियों से रास्तों से तरीकों से आप इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर कर सकते हैं पहला तरीका होता है एक्सपोर्ट करके बहुत इजी तरीका है भाई हम क्या कर रहे हैं एक्सपोर्ट कर रहे हैं और मार्केट में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं एक्सपोर्टिंग दो प्रकार की होती है एक होती है डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग दूसरी होती है इन डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग कौन सी होती है एक इस तरीके से एक्सपोर्ट करना जब आप अपने कस्टमर से डायरेक्ट जो है कनेक्टेड है बीच में डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह या जो भी है उन पर आपका कंट्रोल है आप मार्केट सेलेक्ट कर रहे हैं आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स डेवलप कर रहे हैं आप ही ये सारी चीजें कर रहे हैं इसको कहते हैं डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग करने की कोशिश करना ठीक इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग क्या होती है जब भी आप किसी ना किसी मीडिएटर को सेल कर दें अपने गुड्स को मैंने किसी एजेंट को या एक्सपोर्ट हाउसेस को जाकर के अपने गुड्स को बेच दिए अब फर्दर ये जो सेलिंग है ये जो एक्सपोर्टिंग है ये मीडिएटर करेगा मेरा कोई कंट्रोल नहीं है मुझे कुछ नहीं पता किस प्राइस पे सेल हो रहा है कहाँ सेल हो रहा है कुछ भी नहीं मेरा कोई कंट्रोल नहीं है इसको कहते हैं इन डायरेक्ट एक्सप्ले जो है एक्सपोर्टिंग करने की कोशिश करना एक ये तरीका हो गया दूसरा होता है लाइसेंसिंग कई बार क्या होता है बच्चा हम लोग एक मार्केट के अंदर वर्क कर रहे हैं दूसरे मार्केट में मैं जा नहीं सकती टाइम नहीं है फंड्स नहीं है कैपिटल नहीं है देर आर सेवरल रीजंस लेकिन मैं किसी और को तो लाइसेंस दे सकती हूं right कि आप चलिए मैंने आपको जापान के लिए लाइसेंस दे दिया कि आप मेरे गुड्स का इस्तेमाल प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग जो भी चीजें हैं वो जापान में कर सकते हैं इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए तो वो क्या हो गया वो होता है लाइसेंसिंग करने की कोशिश करना अगेन मैं इसके बदले क्या चार्ज करूंगी, चार्ज करूंगी एक लाइसेंस की फीस चार्ज करूंगी आपसे और अगर मैंने आपको जापान में बिजनेस करने का लाइसेंस दे दिया मेरा तो मैं खुद भी जापान में एंटर नहीं कर सकती उस सेड ड्यूरेशन के लिए एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बनता है जिसमें मैं आपको लाइसेंस दूंगी कि आप क्या क्या कर सकते हैं मेरे गुड्स के साथ में बना सकते हैं या केवल बेच सकते हैं या क्या कर सकते हैं वो सारी चीजें मैं आपको करने की कोशिश करूंगी आपने अपनी खुद की चेन ब्रांड से भेजा है आनंद तो ऑब्वियसली दुबई में वो प्रोडक्ट किस प्राइस पे सेल होगा कहां सेल हो रहा है ये आपको पता है दिस इज डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग करने की कोशिश करना ठीक इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में जैसे मैंने गुड्स बेच ही दिया किसी को मुझे नहीं पता आगे उस गुड्स के साथ में क्या हो रहा है है वो कहां जा रहा है, हो सकता है उसकी पैकेजिंग भी पूरी चेंज हो जा रही है क्योंकि मैंने तो गुड्स बेच दिया मुझे तो अपना पैसा मिल गया बीच में हो सकता है पैकेजिंग चेंज हो रही है लेबल चेंज हो रहा है प्राइस चेंज हो रहा है कंट्री चेंज हो जा रही है कुछ भी कुछ भी हो रहा है इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग होगा वो फ्रेंचाइजिंग क्या हो गया आप अगला देखो फ्रेंचाइजिंग क्या होता है कभी मैगडी गए हो डोमिनोज गए हो के एफ सी हो क्या ये सारी एक जैसे लगते हैं मतलब मैगडी डोमिनोज के एफ सी एक जैसे नहीं लगते मैगडी के सारे आउटलेट सेम लगते हैं इसी तरीके से डोमिनोज के सारे आउटलेट सेम लगते हैं ये क्या होता है आपका हाँ कोई दिक्कत नहीं है चाइना ब्रांच से बेच दो ब्रांच तो आपकी है ना

अब यहाँ पे क्या होता है यार डोमिनोज के सारे आउटलेट सेम लगते हैं कैसे लगते हैं यहाँ पे इन्होंने क्या लिया इन्होंने फ्रेंचाइजी लेके रखी है फ्रेंचाइजी क्या होता है फ्रेंचाइजी का मतलब होता है जब भी एक तो आपको लाइसेंस मिल रहा है कि आप डोमिनोज के पिज्जा बना के बेच सकते हैं इसके साथ साथ वो आपको पूरा डोमिनोज का सेटअप करके देंगे आपके लोगों को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेंगे डोमिनोज पिज्जा कैसे बनता है फिर आपको तो वो रॉ मटेरियल जो दे रहे हैं वो तो देंगे ही देंगे ये सारी चीजें आप करने की कोशिश कर रहे हैं देन दैट दैट इज इज फ्रेंचाइजिंग करने की कोशिश करना यानी एक अलग लेवल पे आपने कर दिया बिजनेस अब ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि तो सारे के सारे आप कह सकते हैं आ, ब्रांचेस के अंदर यानी सारे के सारे फ्रेंचाइजी मॉडल के अंदर गुड्स एक तो एक सेम तरीके का मिल रहा है डोमिनोज पिज्ज़ा आप कहीं चले जाइए आपको सेम मिलेगा मैगडी का बर्गर आपको सेम मिलेगा थोड़ा सा ह्यूमन स्किल्स का फर्क हो सकता है अदर देन दैट सारी चीजें सेम यहाँ पे यूज होती हैं साथ ही साथ यहाँ पे आप क्या करते हैं ये सारी चीजें सेटअप कौन करता है मेन जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सारी चीजें सेटअप करता है पैसा आपको देना पड़ेगा जाहिर है मान लेते हैं पचास लाख की फ्रेंचाइजी मिल रही है डोमिनोज की तो पचास लाख आप देंगे वो आपको पूरा का पूरा सेटअप करके दे देंगे फ्रेंचाइजिंग या लाइसेंसिंग में डिफरेंस हो गया कि मैंने लाइसेंस में आपको खाली लाइसेंस दिया बिजनेस करने का अब कैसे क्या कब कहाँ कर रहे हो वो आपके ऊपर है मैंने खाली कह दिया ठीक है मेरा नाम इस्तेमाल कर लो डोमिनोज का पिज्जा बना के बेच लो जापान के अंदर मैंने आपको लाइसेंस दे दिया अब कैसे बनाना है क्या करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा वो सब कुछ लेकिन अगर मैं आपको पूरा मॉडल सेटअप करके दे दूं, यानी पूरा मैगडी पूरा डोमिनो सेटअप कर दिया मैंने लोगों को ट्रेनिंग भी दे दी सब कुछ सिखा दिया ये है फ्रेंचाइजिंग करने की कोशिश करना ठीक है हाँ जी बिल्कुल सीक्रेट मसाला देते हैं लेकिन सीक्रेट मसाला बनाने की रेसिपी नहीं देते नेक्स्ट <laughs> आ जाओ स्पेशल मूव्स या स्ट्रेटेजिक अलायंसेस की अगर आप बात करें तो क्या-क्या हो गया स्पेशल मूव्स क्या-क्या होते हैं यार एंटर करने के जॉइंट वेंचर कर लो स्ट्रेटेजिक या नहीं हम यूएसए में बिजनेस कर रहे थे इंडिया में एंटर करना था हमने कहा यार चलो एक काम करो इंडिया में मेरे जैसा जो बिजनेस एक कंपनी कर रही है काम उससे कर उससे लेते हैं। या तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर लो या दोनों दिस इज नोन एज ज्वाइंट वेंचर करने की कोशिश करना आगे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ये घुसने का एक तरीका होता है एक होते हैं आपके टर्न की प्रोजेक्ट्स करने की कोशिश करना टर्न की प्रोजेक्ट्स क्या हो गए मेट्रो वेट्रो देखा है नहीं बहुत जो है बनाना झंझट का काम है डेली मेट्रो गवर्नमेंट की तो बस की बात है नहीं खुद से तो गवर्नमेंट ऑब्वियसली है गवर्नमेंट के हैं पॉलिटिशियंस तो नहीं बनाने वाले किसी को तो बोलते होंगे ना कि भाई आओ बना दो आ करके मान लो गए हम कहीं पे बाहर और बाहर पे कोई कंपनी थी जो इस तरीके के सेटअप कर रही है मेट्रो हो गया ये इस तरीके की मतलब टेक्निकल चीज़ें सेटअप करना इस कंट्री को हमने कहा ये कंपनी दस करोड़ रुपए मुझसे ले लो या जो भी अमाउंट डिसाइड हो और आओ आ करके पूरा मेट्रो का मैप बना के पूरा मेट्रो सेटअप कर दो इस कंपनी ने कहा ठीक है भाई हम आएंगे इतना पैसा लेंगे सारा कुछ सेटअप कर देंगे हमने कहा ठीक है तुम आओ सारा सेटअप करो लेकिन ओनरशिप मेरी होगी तुम पैसा लेना ले करके चली जाना ये जो तुम कंस्ट्रक्ट करोगी ये जो तुम बनाओगी ओनरशिप मेरा ये प्रोजेक्ट मेरा ओन के अंदर रहेगा हमने कहा ठीक है भाई हम खाली बना के आपको दे देंगे तो डेली मेट्रो बनाया करके कंपनी ने बाहर की कंपनी थी आई मेट्रो पूरा कंस्ट्रक्ट किया ओनरशिप किसको दे दी गवर्नमेंट को दे दी गवर्नमेंट ने क्या किया गवर्नमेंट की का यहाँ पे मतलब होता है ओनरशिप की दे दी गवर्नमेंट को गवर्नमेंट ने क्या किया उसकी को टर्न किया यानी चालू किया ओपन किया उद्घाटन किया और ये प्रोजेक्ट चलने लग गया दिल्ली मेट्रो का ये क्या है आर टर्न की प्रोजेक्ट करने की कोशिश करना एक ये तरीका होता है मार्केट के अंदर इनकम जी स्ट्रेटेजिक अलायंस करने का मतलब होता है एक स्ट्रेटेजी के थ्रू अलायंस यानी इकट्ठा आना तो स्ट्रेटेजिक अलायंस के अंदर ही आपका जॉइंट वेंचर्स आता है काजल ठीक है होपफुली ये तरीके समझ आए होंगे आपको मार्केट में एंटर करने के नेक्स्ट आएंगे हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट देखने की कोशिश करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो गया बिल्कुल तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो गया एक ऐसा अकाउंट हमारी अगर कंट्री बना रही है यानी इंडिया बना रही है तो इंडिया के जो रेसिडेंट्स हैं इन्होंने बाहर की कंट्री से जो भी फॉरेन एक्सचेंज का ट्रांजैक्शन लेन देन किया होगा वो सारी चीजें हमारा जो इंडिया हमारी जो कंट्री है वो इस अकाउंट में मेंटेन करेगी इस अकाउंट को कहते हैं हम बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाने की कोशिश करना तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसा अकाउंट जहां पे आप पेमेंट और रिसीप्ट हमारी रेसिडेंट्स ऑफ दी कंट्री के रिकॉर्ड करते हैं यानी इन्होंने कितना फॉरेन एक्सचेंज बाहर भेजा कितना फॉरेन एक्सचेंज ये अंदर लेकर के आ गए पेप्सी में कहां है पेप्सी में तो कोई मॉडल ही नहीं है वो तो बेचारे जियोसेंट्रिक अप्रोच करते हैं एक जगह प्रोडक्शन हो रहा है उनका और वहां पूरा का पूरा वो लेकर के आ रहे है मैगडी का कौन सा आउटलेट देख लिया आपने वो सॉरी पेप्सी का कौन सा आउटलेट देख लिया बेचारे सेटअप भी नहीं कर रहे कोई आउटलेट ही नहीं है उनका तो कहीं पे भी बिक रहा है वो तो वो तो आएगा ही नहीं इसके अंदर वो तो जियो सेंट्रिक अप्रोच है गुड एक जगह बना लिया उसके बाद में प्रोडक्शन करके बेच दिया प्रोडक्ट्स को कहीं ना कहीं बैलेंस ऑफ पेमेंट ये ट्रांजेक्शन सारे अपन इंक्लूड करेंगे एक कंट्री के बाहर जितना गया जनरल रूल की बात करें बीओपी अकाउंट्स के अंदर यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट्स के अंदर तो वो सारे ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे फॉरन करेंसी के अंदर जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं ये अगर फॉरन करेंसी आप ऑन कर रहे हैं कमा रहे हैं तो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होते हैं उंट्स बनाए हैं मेरे ख्याल से सबने डेबिट क्रेडिट पता होगा क्या होता है ना मान के चल रहे हैं सारे पोस्ट ग्रेजुएट्स है डेबिट क्रेडिट पता होगा तो अगर कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन जिसके थ्रू आप फॉरेन करेंसी कमाएंगे कमा रहे है कहा रिकॉर्ड करोगे क्रेडिट साइड पे गवा रहे हो फॉरेन करेंसी यानी स्पेंड कर दे रहे हो फॉरेन करेंसी तो कहाँ रिकॉर्ड करोगे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करोगे दो प्रकार के ट्रांजेक्शन होते हैं यानी आपके आप कह सकते हैं दो प्रकार के अकाउंट्स होते हैं कौन कौन से यहां पे मैं ना एक आपको बना के पहले बता देती हूँ ये अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट है डेबिट साइड क्रेडिट साइड ऊपर होता है करंट अकाउंट करंट अकाउंट के ट्रांजेक्शन नीचे है कैपिटल अकाउंट के ट्रांजेक्शन करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के ट्रांजेक्शन करंट अकाउंट में आप वो सारी चीजें रिकॉर्ड करती हैं, करते हैं मतलब वो सारी चीजें रिकॉर्ड करते हैं जो कि डे टू डे से रिलेटेड है यानी रोजमर्रा वाले जो ट्रांजेक्शन है जो हम नॉर्मली करते रहते हैं जैसे इम्पोर्ट करना एक्सपोर्ट करना गुड्स का सर्विसेज का गिफ्ट किसी को भेज देना बाहर से कोई पर्सन आपका कोई जॉब कर रहा है वो वहाँ से आपको पैसा भेज दे यानी यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन ये सारी ही चीज़ें हम करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं कैपिटल अकाउंट में वो सारी चीजें आप रिकॉर्ड करते हैं जिनका इफेक्ट किसी भी कंट्री के यानी अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इंडिया के लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से या इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लाइबिलिटीज एंड असेट में चेंजेस आ रहे हैं किसी भी ट्रांजेक्शन की वजह से इन ट्रांजेक्शन्स को आप कैपिटल अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे जैसे अगर मान लेते हैं मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूँ तो अगर ये बीओपी है मेरा मान लीजिए अब आप मुझे बताएंगे कि कौन सा ट्रांजेक्शन डेबिट करूँ कौन सा ट्रांजेक्शन क्रेडिट पर रिकॉर्ड करूँ ठीक है मैं आपको क्वेश्चन आप मुझे करंट अकाउंट एक्सपोर्ट किया पचास हजार रुपए का कहा रिकॉर्ड करू एक्सपोर्ट किया पचास हजार रुपए का कहा रिकॉर्ड करूं डेबिट क्रेडिट करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट हाँ जी बिल्कुल विजय ये आप कह सकते हैं आनंद उन्होंने लाइसेंस लिया है से सेल करने के लिए अपने आउटलेट्स के अंदर बिल्कुल एक्सपोर्ट किया जब भी आपने तो जब भी देखो आप एक्सपोर्ट करते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज भाई गुड्स आपने बाहर भेजा बदले में पैसा आपको मिला कहां रिकॉर्ड करोगे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करोगे इसी तरीके से एक्सपोर्ट कर दिया आपने मान लीजिए सर्विसेज का कोई सर्विस आपने दी मान लो साठ हजार रुपए की

ना, भेज रहे हैं हालांकि भाई ऐसे होते नहीं है कहाँ रिकॉर्ड करोगे यूएसए में आपका भाई रहता है और वहां से आपको यहां गुड्स भेज रहा है वो या पैसा भेज रहा है गिफ्ट भेज रहा है कुछ भी यूनिलेट्रल ट्रांसफर्स यूनिलेट्रल ट्रांसफर्स यानी वन साइडेड ट्रांसफर्स क्रेडिट साइड पे आएगा मान लो उसने एक लाख का गुड्स दिया मुझे जरा करेंट अकाउंट का बैलेंस बताएगा कोई सरप्लस में आया है या डेफिसिट में आया है मेरे पास में पैसा आया है कितना फिफ्टी प्लस वन लाख एंड डेबिट साइड है मेरे पचास हजार रुपए का करंट अकाउंट डेफिसिट में है मेरा क्या मेरा करंट अकाउंट डेफिसिट में है या सरप्लस में है अनंत बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसा अकाउंट होता है जहाँ पे कंट्री से जो भी पैसा बाहर जा रहा है कंट्री के और पैसा जो अंदर आ रहा है कंट्री के वो सारी चीजें आप रिकॉर्ड करते हैं इसके अंदर दो अकाउंट्स बनते हैं पहला अकाउंट होता है करंट अकाउंट दूसरा कैपिटल uh, अकाउंट जो भी हम लोग कवर अप करेंगे करंट अकाउंट में वो सारी चीजें आप रिकॉर्ड करते हैं जो आप कह सकते हैं नॉर्मल बेसिस के ऊपर हम फॉरन एक्सचेंज के ट्रांजेक्शन करते हैं जैसे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोई गिफ्ट भेजना एक दूसरे को यानी बाहर कोई आपका पर्सन रह रहा है वो आपको गिफ्ट भेज रहा है पैसा भेज रहा है इस तरीके के ट्रांजेक्शन्स हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन जिससे मैं फॉरन एक्सचेंज कमा पा रही हूँ यानी मेरे पास फ़ॉरन एक्सचेंज आ रहा है वो सारे ट्रांजेक्शन्स हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं और ऐसे ट्रांजेक्शन जिससे आप फ़ॉरन एक्सचेंज का पेमेंट कर रहे हैं यानी फ़ॉरन एक्सचेंज आपके पास से बाहर जा रहा है वो हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं दैट इज़ डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं तो यहाँ पे सरप्लस अमाउंट भी तो बताओ मुझे कितना सरप्लस आया केवल काजल ने बताया मुझे अमाउंट भाई देखो मुझे पता नहीं है तुम लोगों को बताना पड़ेगा कितना आ रहा है सरप्लस आ गया इसके नीचे अब बनेगा हमारा कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट जैसे हमने कहा एक ऐसा अकाउंट होता है यानी वो ट्रांजैक्शंस जो असिट या लाइबिलिटीज के ऊपर इफेक्ट डाल रहे हैं चेंजेस डाल रहे हैं उसको हां जी बैलेंस ऑफ ट्रेड में आप केवल गुड्स रिकॉर्ड करते थे बैलेंस ऑफ पेमेंट में आप दोनों चीजें रिकॉर्ड करते हैं गुड्स भी सर्विसेज भी वेरी गुड पूजा नेक्स्ट देखिए कैपिटल अकाउंट अब क्वेश्चन मैं पूछूंगी जवाब आप बताएंगे ठीक है थोड़ा बैठ कैपिटल अकाउंट ओ से मैंने दो लाख का लोन लिया डब्ल्यू टी ओ कह रही हूँ वर्ल्ड बैंक कर लो वर्ल्ड बैंक से मैंने दो लाख का लोन लिया कहा रिकॉर्ड कर दू वर्ल्ड बैंक से दो लाख का लोन लिया कहा रिकॉर्ड करू वर्ल्ड बैंक से लोन लिया मैंने टू लाख रुपीज का वेर शुड आई रिकॉर्ड इट डेबिट क्रेडिट सल्यूट क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करूंगी क्योंकि बैलेंस आ रहा है मेरे पास में ना फॉरिन एक्सचेंज आ रहा है लोन फ्रॉम डब्ल्यू बी दो लाख रुपए का एक प्रॉपर्टी खरीद ली है जापान में मैंने चार लाख रुपए की एक प्रॉपर्टी खरीदी मैंने जापान में चार लाख रुपए की रिकॉर्ड एक प्रॉपर्टी खरीदी जापान में लाख ,00 रुपए की बच्चा यहाँ पे लाइबिलिटी क्रेडिट ऐसा कोई साइड नहीं होता है सॉरी मतलब लाइबिलिटी और असेट साइड नहीं होता डेबिट और क्रेडिट साइड ठीक है तो डेबिट और क्रेडिट बताओ मुझे चलो बताओ मुझे प्रॉपर्टी खरीदी जापान में चार लाख रुपए की कहा रिकॉर्ड करूं पैसा तो चला गया ना मेरे पास से बाहर चला गया असेट परचेज किया मैंने अगर जापान में क्या रिकॉर्ड करूं चार लाख रुपए चलो मुझे अब इस कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बताएगा कोई मेरा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या है सरप्लस है डेफिसिट है क्या है डेफिसिट का दो लाख अब मुझे टोटल कोई बताएगा टोटल बैलेंस ऑफ पेमेंट अब मेरा टोटल जो बैलेंस ऑफ पेमेंट बना ये दोनों अकाउंट्स को मिला के डेफिसिट में आ रहा है या सरप्लस में आ रहा है ये बताओ पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में है सरप्लस में है पूरा का पूरा पूरा टोटल बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट है सरप्लस है और क्या है कितने का है चालीस हजार आपका निकल करके आ रहा है यहां पे डेफिसिट का चालीस हजार डेफिसिट का आपका निकल करके आएगा यहां पे। बैलेंस ऑफ पेमेंट ये जो आप पूरा बनाते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये होना चाहिए बैलेंस यानी दोनों साइड होनी चाहिए बराबर बराबर है तो हम कहते हैं भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट है अगर दिस इक्विलिब्रियम आ रहा है यानी डेफिसिट या सरप्लस की सिचुएशन आ रही है तो हम बहुत सारे करेक्टिव मेजर्स लेने की कोशिश करते हैं जिसके थ्रू हम ये बैलेंस ऑफ पेमेंट को इक्विलिब्रियम में ला सके जैसे मान लो मेरे पास से से अभी हो गया यानी मेरे पास एक्सचेंज चला गया है बाहर बहुत ज्यादा तो अब हम क्या करने की कोशिश करेंगे हो सकता है import को कंट्रोल करने की कोशिश करें एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने की कोशिश करती है गवर्नमेंट आप देखते होंगे एक्सपोर्ट करने के लिए वो आपको बहुत सारे इंसेंटिव ये सारी चीजें देने की कोशिश करती है ताकि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका डिसिक्वलिब्रियम के अंदर आ जाए ओके सो दिस इज एग्जैक्टली ट अ बैलेंस ऑफ पेमेंट इज होपफुली समझ आया होगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हम कैसे बनाते हैं, Next, आ जाते हैं हम वर्ल्ड के ऊपर में जिस कॉन्फ्रेंस का नाम था ब्रिटेन कॉन्फ्रेंस इस कॉन्फ्रेंस के तहत हमने बात करी कि भाई बहुत कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होनी चाहिए जो इंटरनेशनल मार्केट में काम कर सके इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होनी चाहिए तो यहाँ से हमने मेनली दो इंस्टीट्यूशंस को बनाने की बात करी तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो पहले थी हमारे पास में आईएमएफ दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के डेवलपमेंट की बात हुई और दूसरी बात हुई वर्ल्ड बैंक के डेवलपमेंट की और तीसरी एक और इंस्टीट्यूशन निकल के आई थी दैट मीज जी ये इंस्टीट्यूशन नहीं था ये एक आप कह सकते हैं अग्रीमेंट था हालांकि ये नाइनटीन में सेटअप हुआ गया हुआ था बात लेकिन ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में इसकी भी हुई थी लेकिन हम लोग मेनली जब डिस्कस करते हैं ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस से दो इंस्टीट्यूशन निकल करके आए वो दो इंस्टीट्यूशन हम कहते हैं आई है और डब्ल्यू बी दट इज वर्ल्ड बैंक है पहले हम देखेंगे वर्ल्ड बैंक को तो वर्ल्ड बैंक क्या हो गया एक ऐसा बैंक जो क्रिएट किया गया था किस लिए 1944 में ये कॉन्फ्रेंस हुई 45 में ये बैंक कर दिया गया अब ये बैंक हुआ क्यों था क्योंकि हमें क्या करना था वर्ल्ड के अंदर एक स्टेबल स्टेबल डेवलपमेंट की बात करनी थी बहुत सारे वर्ल्ड वॉर्स हो रहे थे वर्ल्ड वॉर्स के सॉरी मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो कंट्रीज थी बहुत ज्यादा डिवास्टेटेड थी बहुत ज्यादा इकोनॉमी टूटी हुई थी तो हमने एक ऐसे बैंक का ईजाद किया जो इन कंट्रीज को लोन देगा एस्टेब्लिशमेंट के लिए डेवलपमेंट के लिए रिकंस्ट्रक्शन के लिए पुअर पॉवर्टी जो है उसके रिडक्शन की बात करेगा वर्ल्ड के अंदर ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने वर्ल्ड बैंक की स्थापना करी वर्ल्ड बैंक के तहत वर्ल्ड बैंक के अंदर हमारे पास में पांच विंग्स निकल कर के आते हैं पांच अफिलिएट्स कह लीजिए वर्ल्ड बैंक के पांच विंग्स कह लीजिए वर्ल्ड बैंक के पहला विंग था वर्ल्ड बैंक का आईबीआरडी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ठीक रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट अब ये जो बैंक था नाम में पता चल रहा है रिकंस्ट्रक्शन के लिए आया था किसके रिकंस्ट्रक्शन के लिए कि वर्ल्ड बैंक की सॉरी वर्ल्ड वॉर टू थे जो डिवास्टेटेड कंट्रीज थे इनको वापस से लोन देंगे इनको वापस से और हम पता है, के बाद में, कोई ही नहीं हुई तो इस बैंक का इस विंग का अस्तित्व क्योंकि खत्म हो गया था तो इसके फंक्शन को या इसके ऑब्जेक्टिव को हमने वर्ल्ड बैंक के ऑब्जेक्टिव के साथ में जोड़ दिया इसीलिए हम आज कहते हैं वर्ल्ड बैंक इज ऑल्सो

ले ही काम कर लेते हैं क्योंकि तुम्हारा तो अस्तित्व खत्म हो गया इसके अलावा चार और विंग्स हैं तो करंट आप कहें तो ऐसे हम कहते हैं कि पांच विंग्स है या हैं या पांच अफिलिएट्स हैं वर्ल्ड बैंक के लेकिन इनमें से एक अफिलिएट एक विंग को ऑलरेडी वर्ल्ड बैंक ने अपने ऑब्जेक्टिव्स के साथ में कंक्लूड कर लिया है मिला दिया है तो इसके अलावा चार और विंग्स बनती हैं पहली विंग्स है आईडी हमारे लिए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन 1960 के अंदर आई ये जो विंग है ये सॉफ्ट लोन देती है यानी वर्ल्ड की जो सबसे पुअरेस्ट कंट्रीज होती हैं जो एकदम अंडर डेवलप्ड अंडर डेवलपिंग नेशंस रहती हैं इनकी जिनकी जीडीपी बहुत कम होती है वो एलिजिबल होती हैं आईडीए से लोन लेने के लिए आईडीए ऐसी कंट्रीज़ को लोन देता है जिनका जीडीपी बहुत ज़्यादा लो होता है जिनके अंदर आप कह सकते हैं कोई पैसा नहीं है जिन कंट्रीज़ के अंदर बहुत गरीब देशों को लोन देता है आईडीए आईडीए की बात करें तो पैंतीस से चालीस सालों के लिए आपको लोन देता है फिर भी पे नहीं कर पाए तो 10 साल को और ग्रेस पीरियड दे देता है इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं करता तो यहां पे आईडिया किसको दे रहा है सबसे गरीब कंट्रीज को कि भाई तुम डेवलप हो जाओ हम तुमको लोन देंगे सस्ता लोन देंगे यानी अगर दो करोड़ का लोन दिया तो चालीस साल के बाद भी दो ही करोड़ आपको पे करने हैं कुछ प्रोसेसिंग चार्ज होती है जीरो वगैरह जिसको भी वेव ऑफ कर दिया गया है ये आप कह सकते हैं इंडिया पहले आईडिया से लोन लेने के लिए एलिजिबल था जब हम बहुत ज्यादा गरीब थे बहुत ज्यादा अंडर डेवलपिंग थे तब हमने बहुत सारा लोन लिया है आईडीए से आज की बात करें तो वी आर नॉट एलिजिबल टू गेट लोन फ्रॉम आईडीएस। स्टिल हम मेंबर कंट्री हैं आईडीए की आज भी क्लियर हाँ जी आप कह सकते हैं अनंत नेक्स्ट आ जाइए इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन जितनी भी मेंबर कंट्रीज होती हैं आईएफसी की इनके अंदर बहुत सारे भाई प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं इनको भी पैसे की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि ये भी आप कह सकते हैं इकोनॉमी को खड़े करने के लिए डेवलपमेंट के लिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए वर्क करते हैं तो एक ऐसी विंग है वर्ल्ड बैंक की जो मेंबर कंट्रीज के अंदर जितने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उनको लोन देती है अगर इसको लगता है कि आपके प्रोजेक्ट में दम है आपका प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है आपका प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है तो आप आई से जाकर के लोन ले सकते हैं इंडिया अगेन मेंबर ऑफ आई एफ सी आई एफ सी नाइनटीन फिफ्टी सिक्स के अंदर आया इनके ईयर याद रखिएगा आईडीए कब आया नाइनटीन सिक्सटी वर्ल्ड बैंक कब आया 1944 के अंदर बात हुई 45 में एस्टेब्लिश हो गया आईएफसी की बात करें तो यहाँ पे इंडिया अगेन अ मेंबर ऑफ आईएफसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए दिन गई नेक्स्ट आएंगे एम आई जी एट इज मेगा मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी कब एस्टैब्लिश हुई 1988 के अंदर ये एजेंसी हमारे लिए एस्टैब्लिश करी गई मेगा की हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस देता है अब अगर मैं बात करूँ अपनी मुझे जापान में जाना है या किसी अर्जेंटीना या किसी और कंट्री के अंदर जाना है इन्वेस्टमेंट करने के लिए मेरे दिमाग में एक बात आएगी ना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई गवर्नमेंट ही ख़त्म हो गई या वहाँ पे कुछ कैलामिटीज़ आ गई नेचुरल कैलामिटीज और कि ऐसा कुछ भी आ गया मेरा इन्वेस्टमेंट तो डूब जाएगा ना वहाँ पे, जो मेरे किसी रीज़न की वजह से नहीं हुआ तो मेगा कह रही है कि भाई देखो बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के जाओ अगर तुम्हारे बिजनेस के रिस्क के अलावा तुम्हें कोई रिस्क होता है किसी पॉलिटिकल सिचुएशंस की वजह से तुम्हें लॉस हो रहा है कोई नेचुरल कैलामिटीज की वजह से तुम्हें कोई लॉस हो रहा है या कुछ तो हम इन्वेस्टमेंट गारंटी देते हैं आपको हम पैसा अपनी जेब से आपको वापस करेंगे ये कौन कवर अप करता है कौन बात करता है मीगा कहती है ज्वाइंट वेंचर वर्ल्ड बैंक एंड आई का क्यों क्रिएट किया गया भाई हमने क्रिएट ये इसलिए किया ताकि आप कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट करे जाकर के डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर क्योंकि हम हम इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहे थे हम कह रहे थे यार इन्वेस्टमेंट करेंगे इनकी यहाँ तो बड़ी अनस्टेबिलिटी है मेरा पैसा डूब गया तो तो इन्वेस्टमेंट नहीं करे तो मेगा ने कहा ठीक है हम देते हैं गारंटी इन्वेस्टमेंट करो पैसा डूबेगा हम प्रोवाइड करेंगे क्या हम इंडिया मेंबर है मेगा का बिल्कुल हम ये चारों विंग्स के मेंबर है आई बी आई डी आई डी ए आई मेगा हम चारों विंग्स के मेंबर हैं नेक्स्ट विंग की बात करते हैं हम लोग दैट इज इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट अब देखो यार जब ट्रेड करोगे आपस में उनकी कंट्री में जा रहे हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो डिस्प्यूट तो पॉसिबल है होना चाहे उनकी गवर्नमेंट के साथ में हो रही हो या किसी भी उसके साथ में डिस्प्यूट तो पॉसिबल है तो हमने कहा भाई अगर डिस्प्यूट हो जाती है मेरी कंट्री की गवर्नमेंट की उनकी कंट्री की गवर्नमेंट के साथ में मेरा तो पैसा डूब जाएगा ना वहां पे नाउ व्हाट शुड आई डू तो हमने कहा कि भाई अगर ऐसी डिस्प्यूट कुछ होती है तो चले आना आई के पास में हम इन डिस्प्यूट को सेटलमेंट का काम करेंगे ये एक लोती ऐसी विंग है वर्ल्ड बैंक की जिसका मेंबर इंडिया नहीं है ऐसा इसलिए क्योंकि हमने भी पार द बाई पार्शियट अग्रीमेंट्स साइन करके रखे थे उन कंट्रीज के साथ में जिनसे हम ट्रेड करते थे यानी हम जिन जिन कंट्रीज से ट्रेड करते थे हमने ऑलरेडी उनके साथ अग्रीमेंट्स कर रखे थे कि अगर कल को कोई डिस्प्यूट होती है तो हम इन इन तरीके से इन डिस्प्यूट्स का सेटलमेंट करेंगे तो हमें कोई नीट नहीं लगी आईसीएसआईडी का मेंबर बनने के लिए इसीलिए हम आईसीएसआईडी का मेंबर नहीं बने कोई दिक्कत कोई परेशानी वर्ल्ड बैंक और उसकी विंग्स को समझने के लिए हां जी बिल्कुल अनंत अगर आपकी कंट्री जो है मेगा की मेंबर कंट्री थी तो बिल्कुल मिला आप क्लेम कर सकते हैं मेगा से बिल्कुल नेक्स्ट आएंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक देखते हैं ए बी जी ए बी जी क्या है एक ऐसा इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जिसका मिशन क्या है डेवलपिंग मेंबर कंट्रीज जो हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना पॉवर्टी इंप्रूव करने की कोशिश करना कहाँ पे एशिया के अंदर ए जी बी तो अगर हेडक्वाटर्स की बात करें मनीला फिलीपींस में हेडक्वार्टर कब आई 1966 के अंदर आई दो बातें याद रखिएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक की क्यों आया एशियन कंट्रीज के डेवलपमेंट के लिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करने के लिए पोवर्टी रिडक्शन के लिए कब आया 1966 के अंदर आया हेडक्वार्टर्स मलीना फिलीपींस के अंदर ये तीन बातें याद रखनी है ए डी बी के अंदर तुम लोगों क्या मुझे ब्रेक की जरूरत पड़नी चाहिए मैं बोल रही हूँ कंटिन्यूसली क्या करोगे ब्रेक लेके ये वाली यूनिट खत्म कर लेंगे फिर लेते हैं पांच दस मिनट का ब्रेक साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन देखने की बात करेंगे अब यहाँ पे ये कोऑपरेशन आई साउथ एशिया की कंट्रीज के रीजनल कोऑपरेशन के लिए हम लोग देखो यार साउथ एशिया को बिलोंग करते हैं और हमको तो पता ही है अगल बगल वाली कंट्रीज के साथ में कितना कोऑर्डिनेशन है हमारा है ना हम तो लड़ते भिड़ते रहते हैं तो हमने कहा एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करो भाई आपस में ही लड़ रहे हैं आपस में ट्रेड ही नहीं करते हम लोग आपस हम दूर से ट्रेड करके ला रहे हैं हमें महंगा पड़ता है ना वहां पे दूर से ट्रेड करके लाते हैं कॉस्ट लगती है दूर ट्रेड करने जाते हैं वहां आपस में कर लेते हैं ना ट्रेड तो बोला यार एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करो पहले तो इनकी आपस में ट्रेड तो करवाओ नाइनटीन के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करी गई कौन सी जिसको हमने कहा सार्क है साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑर्डिनेशन सेवन फाउंडिंग मेंबर्स थे सात मेंबर थे जिन्होंने मिलकर के ये ऑर्गेनाइजेशन को सबसे पहले स्टार्ट किया एसोसिएशन कौन कौन से ना, ये यहाँ पे नाम याद रखना ठीक है एडीबी में नाम की जरूरत नहीं थी याद रखने की यहाँ नाम याद रखना बहुत जरूरी है याद रखना क्वेश्चन आता है यहाँ से कौन कौन बांग्लादेश भूटान इंडिया मालदीव नेपाल पाकिस्तान और श्रीलंका 2007 में एक और ऑर्गेनाइजेशन आई जिसने इसको ज्वाइन कर लिया कौन सी ऑर्गेनाइजेशन अफगानिस्तान ने ज्वाइन किया तो अभी करंट में कितने मेंबर कंट्रीज हो गए इसके हमारे लिए आठ कॉपीराइट का क्लेम नहीं करूंगी लेकिन जब मेरे नोट से क्वालिफाई करेगा ना जे आर एफ तो मुझे क्रेडिट देना भूलना बस तब क्रेडिट नहीं दोगे ना तब करूंगी कॉपीराइट का क्लेम चलो नेक्स्ट आ जाते हैं आसियान आसियान के ऊपर ठीक है है क्या एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ठीक है यह साउथ ईस्ट एशिया की बात करी गई हम साउथ ईस्ट एशिया को बिलोंग नहीं करते हम एशियन कंट्री हैं लेकिन हम साउथ एशिया की भी हैं हम लेकिन साउथ ईस्ट एशिया को नहीं बिलोंग करते यहां पर अगर आप देखिए तो इसका जो ये फॉरेन मिनिस्टर्स थे इंडोनेशिया मलेशिया और फिलीपींस के ये बैठे और इन्होंने कहा कि भाई हमें आसियान जैसी एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करनी है कब 1967 के अंदर सिंगापुर एंड थाईलैंड और ये सारे मतलब ऑर्गेनाइजेशन बैठी इंडोनेशिया मलेशिया फिलीपींस सिंगापुर थाईलैंड इन्होंने बैठे और इन्होंने कहा कि भाई कहाँ पे बैठे थे बेचारे बैंकॉक में जाके बैठे और जा करके ये ऑर्गेनाइजेशन का जन्म किया इन्होंने क्या क्या एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज यहाँ पे डेवलप करी गई एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की बात करें तो दस मेंबर कंट्री है अगेन इंपॉर्टेंट है ना इसको भी याद रखना मेंबर कंट्री तो कौन कौन सी मेंबर कंट्री अभी तक याद करनी है आपको पहला सार्क की दूसरा आसियान की जिसकी जिसकी बोल रहे हो उसकी उसकी याद रखो बाकी की छोड़ भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ब्रोनाई कंबोडिया इंडोनेशिया लॉस मलेशिया म्यांमार फिलिपींस सिंगापुर थाईलैंड वियतनाम। एक ऑब्जर्वर है नोट डाउन no करना चाहो तो नोट no डाउन कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो अब आते हैं हम इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के ऊपर आईएमएफ। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ब्रिटेन वुड ट्विन्स किसको कहते हैं हम लोग विच टू ऑर्गेनाइजेशन आर नोन एज ब्रिटेनवुड वुड ट्विन्स बात अगर पूछा भी था ना कि ऑफ दी मेंबर कंट्री इज नॉट मेंबर कंट्री ऑफ डब्ल्यू टी ओ स्क कर दू क्योंकि मेंबर याद करने बैठोगे ना तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट भूल जाओगे कुछ हम हाँ, सारे क्वेश्चंस नहीं आंसर करने होते जे आर एफ क्वालिफाई करने के लिए सौ में से सत्तर क्वेश्चन का टारगेट करो कि सत्तर मेरे सही होने चाहिए वो उन टॉपिक्स पे फोकस करो जहां से हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं तीस क्वेश्चन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है आपको क्योंकि वो तीस क्वेश्चन पे ध्यान देने बैठोगे ना तो जे आर ये सत्तर क्वेश्चन मिस कर जाओगे तो वो उसकी मेंबर कंट्री याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए आई और वर्ल्ड बैंक हो जाएगा आपके हाँ जी मैं अवेलेबल करा दूंगी अनंत इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की बात करें एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन अगेन ये भी आई 1944 के अंदर 45 में सेटअप कर दी गई क्यों आई भाई आईएमएफ की अगर हम बात करें फंक्शनिंग स्टार्ट करें 1947 के अंदर एक आप कह सकते हैं जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस थी जो एम्पेडिमेंट्स थे इनके आप कह सकते हैं मल्टीलेटरल ट्रेड के लिए एक स्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए आई बी आर डी सॉरी आई जो है वो हमारे पास में आई तो पर्पज क्या था आई को लेकर के आने का कि हमें इंटरनेशनल मॉनिटरिंग कोऑपरेशन लेकर के आना है फैसिलिटेट क्या करना है एक्सपेंशन और बैलेंस्ड ग्रोथ इंटरनेशनल ट्रेड का कॉन्ट्रीब्यूट करना है प्रमोशन मेंटेनेंस हाई लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट

करता है ये जितने भी सेंट्रल बैंक्स के गवर्नर्स हैं इनके साथ में मिल बैठ करके एक आप कह सकते हैं डिस्कशन पे आता है ताकि कि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट की डिसिप्लिन्रियम ना हो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करें हमारी पूरे वर्ल्ड की इन मेंबर कंट्रीज के बीच में प्रमोट करना एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी मेंटेन करना ऑर्डरली एक्सचेंज अरेंजमेंट मेंबर स्टेट्स के बीच में असिस्ट करना एस्टैब्लिश करना मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट या अगर कोई सीरियस डिसक्लिब्रियम की प्रॉब्लम हो रही है अभी हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट डिस्कस किया था कि डेफिसिट में आ रहा है अगर डेफिसिट में आता है और बहुत ज्यादा डेफिसिट है सीरियस डिसिक्लिब्रियम हो गया है कि सालों हो गए करेक्ट ही नहीं हो रहा है कहाँ जाओगे लोन लेने आई के पास में जाओगे आई से कहोगे हे आई बैलेंस ऑफ पेमेंट गड़बड़ा गया है पैसा दे दो तो आईएमएफ कहेगा ठीक है पैसा ले लो हमसे और अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसिक्लिब्रियम ठीक कर लो क्योंकि पैसा आएगा कहां रिकॉर्ड करोगे बताओ आए से लोन ले गो लो लोन लोगे कहां रिकॉर्ड करोगे किस साइड किस अकाउंट बताओ कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे क्रेडिट पे तो करोगे अकाउंट कौन सा होगा वेरी नाइस पवित्रा कैपिटल अकाउंट साइड पे रिकॉर्ड करोगे नेक्स्ट आ जाते हैं हम हाँ, वर्ल्ड World... अच्छा आईएमएफ की बात करो तो मेंबर कंट्री नहीं बताई ना देखो वापस आ जाते हैं हाँ 190 मेंबर कंट्रीज है आईएमएफ की दो सवाल निकल के आते हैं यहां पे आप लोगों के लिए पहला सवाल मुझे बताओगे वन एटी नाइन मेंबर कंट्रीज थी एक नया मेंबर ऐड हुआ उस नए मेंबर का नाम बताओ जरा मुझे क्या है दूसरा मुझे बताओ आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहां पे है दो अहम सवाल क्या क्या बताना है भाई एक तो मेंबर कंट्री बता दो नया वाला कौन सा है पहले 189 वन एट्टी नाइन मेंबर्स थे अभी एक सौ नब्बे मेंबर हो गए हैं ठीक है हेडक्वार्टर्स तो चलो बता दिया तुम लोगों ने कहाँ पे है भाई वॉशिंगटन डीसी नया मेंबर कौन आया है वेरी गुड विजय नया मेंबर कौन आया है एंडोरा दो चीजें आईएमएफ के अंदर याद रखिएगा खास करके एंडोरा याद रखिएगा क्योंकि करंट अफेयर्स भी एक तरीके से हो गया ठीक है न्यू मेंबर कौन है एंड और पहले आईएमएफ के मेंबर कंट्री हुआ करते थे 189 अभी कितने हो गए 190 अच्छा एक और क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आ रहा है मेरे दिमाग में जहाँ पे हमने जो वर्ल्ड बैंक में हमने डिस्कस नहीं किया वर्ल्ड बैंक के अपने मेंबर कितने हमने बाकी सबके तो डिस्कस किए उसके अलग अलग विंग्स के जो मेंबर्स थे वो तो हमने डिस्कस किए वर्ल्ड बैंक के अपने मेंबर कितने कितने मेंबर्स हैं वर्ल्ड बैंक के हाँ वही मूवी तो है वो जो मेंबर बन गई है जाके आईएमएफ की चलो बताओ मुझे वर्ल्ड बैंक के कितने मेंबर्स हैं अपने हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज आर देयर ऑफ वर्ल्ड बैंक गड़बड़ा ना मामला वन नाइनटी हो गए दोनों ब्रिटेन है जो भी कंट्री आईएमएफ की मेंबर बनती है वो ऑटोमेटिकली वर्ल्ड बैंक की मेंबर बन जाती है याद रखना इसको तो अगर आईएमएफ में 190 मेंबर हो गए तो वर्ल्ड बैंक में भी ऑटोमेटिकली 190 मेंबर हो गए दोनों की मेंबर कंट्री सेम होती है इसीलिए तो ब्रिटेन वुड ट्विंस कहते हैं आप आईएमएफ के मेंबर बने ऑटोमैटिकली आप वर्ल्ड बैंक के मेंबर बन गए ठीक है तो आई वर्ल्ड बैंक के लिए भी जो सबसे रिसेंट मेंबर है वो कौन हो गया अगेन आनंद के हिसाब से हमारा एक मूवी का नाम है एंडोरा मुझे नहीं पता कौन सी मूवी है क्योंकि मैं मूवीज बहुत कम देखती हूँ लेकिन अब आनंद कह रहे हैं कि ये कोई मूवी है तो वो होगी कोई मूवी ठीक है, है? इसीलिए पूछा मैंने ये सवाल मुझे पता था सब लोग वन नाइन एट्टी नाइन ही कहोगे नाइस्ट होंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ये बारीक बारीक चीजें हैं याद रखना है इसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बात करेंगे हम एक राउंड हुआ उरुगुए राउंड वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ कौन सी कॉन्फ्रेंस के थ्रू आए ब्रिटेन गुड कॉन्फ्रेंस के थ्रू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उर्गुए राउंड के थ्रू आया इसका थोड़ा बैकग्राउंड देख ले बेचारा क्या, क्या हुआ क्या हुआ क्या नहीं हुआ अब जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि ये लोग जब बेचारे बैठे थे ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के लिए तो इस ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में हमने बात करी थी दो ऑर्गेनाइजेशन निकल के आ गई थी आई एम एफ और वर्ल्ड बैंक और हमने एक और चीज डिस्कस करी थी कि यहाँ पे जीएटीटी की भी बात हुई थी जीएटीटी क्या था जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड इसी को रिप्लेस करके डब्लू आया कब आया डब्लू मुझे जरा ईयर बताए कोई कब आया सन बताओ डब्ल्यूटीओ कब आया ये ब्लैंक छोड़ियो तुम लोगों के लिए मुझे नहीं पता कौन से साल में है तुम लोग बताओगे तुम तुम तो लिख दूंगी तो जीएटीटी आया अच्छा जीएटीटी पहले मतलब आना डब्ल्यू ही था

टाइम एक ऐसा अग्रीमेंट था जहाँ पे ये जो कंट्रीज थी इन्होंने आपस में ट्रेड करने के लिए क्या क्या टैरिफ्स होंगे क्या क्या ट्रेड रिस्ट्रिक्शन और ये सारी चीजें होंगी उसके ऊपर एक अग्रीमेंट बना लिया था यूएसए वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस अग्रीमेंट यूएसए और हालांकि उस टाइम पे यूएसए की दादागिरी रहती थी वर्ल्ड ट्रेड के ऊपर तो भाई हमें तो ऑब्वियसली यूएसए को इंक्लूड करना था तो फाइनली हमने यूएसए को राजी कर लिया उरुग्वे राउंड जो हुआ उसके तहत हमने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की फाइनली स्थापना करी कब फर्स्ट ऑफ जनवरी नाइनटीन के अंदर हालांकि एस्टैब्लिश पहले करना था फाइव में आया इसको रिप्लेस करके 1995 में हम लेकर के गए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लीगल स्टेटस है सेम स्टेटस जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसी बड़ी इंस्टीट्यूशंस को मिला था वही स्टेटस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो काउंसिल्स होती हैं मेनली पहली होती है मिनिस्टीरियल काउंसिल दूसरी होती है जनरल काउंसिल मिनिस्टीरियल काउंसिल सबसे हाईएस्ट बॉडी होती है जहां पे हर एक कंट्री का एक रिप्रेजेंटेटिव बैठता है दो साल में एक बार ये कॉन्फ्रेंस होती है और बैठ करके ये डिसाइड किया जाता है कि अगले दो सालों में या जो भी डिसीजन हमें लेने होते हैं ये हम लेते हैं कौन सी कॉन्फ्रेंस मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस कब होती है दो साल में एक बार हर एक मेंबर कंट्री से एक परसेंट आता है और सबको इक्वल वोट्स मिलते हैं यानी सर को सबको एक एक वोट दिया जाता है अगर आपको वोटिंग करनी है वहां पर तो उसके नीचे आती है जीसी सी दैट इज जनरल काउंसिल यानी मिनिस्ट्रियल काउंसिल ने जो हर दो साल पे मिलती है जो भी डिसीजंस लिए उसके इंप्लीमेंटेशन के लिए हमने बनाई है जनरल काउंसिल जनरल काउंसिल के जनरल काउंसिल के तीन फंक्शंस होते हैं यानी आप कह सकते हैं जनरल काउंसिल के अंदर तीन तरीके की काउंसिल्स वर्क करती हैं कौन कौन सी काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स जो कि गुड्स में जो भी ट्रेड हो रहा है यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो गुड्स का होता है उसके ऊपर चर्चा करती है जनरल काउंसिल इन सर्विसेज जब आप सर्विसेज की एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कर रहे होते हैं यानी मान लीजिए कोई बैंकिंग सर्विसेज आपने जापान से ले ली है इस तरीके का कुछ तब हम लोग इस काउंसिल के तहत ये सारी चीजें डील होती हैं और एक काउंसिल होती है आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो ये तीन तरीके से बटी हुई है ये कॉन्फ्रेंसेस डब्ल्यू

सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि आज मैं डेवलपमेंट की बात करूंगी एनवायरमेंट को ध्यान में के ये नहीं कि मैं आज डेवलपमेंट कर रही हूं और कल को मेरा एनवायरमेंट डिग्रेट होता चला जा रहा है हाँ जी बिल्कुल आएगा इसके अंदर

यानी कोई भी चीज़ होनी है अगर उसके लिए 85 फाइव परसेंट वोट फेवर में होने चाहिए तो आप सोचिए अगर यूएसए के अकेले के पास सोलह प्रतिशत के वोट्स हैं तो आई एम एफ के अंदर कोई डिसीजन पास ही नहीं हो सकता जिसपे यूएसए अग्री ना कर रहा हो तो आप कह सकते हैं आई एम एफ के अंदर या इस तरीके की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है आई एम एफ वगैरह इसमें यूएसए या बड़ी बड़ी जो डेवलप्ड कंट्रीज है इनकी दादागिरी चलती है ये जो कहते हैं वही डिसीजन पास होता है क्योंकि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के पास फंड्स नहीं है पंच नहीं दे रहे हो आप तो आपको वोटिंग पार भी नहीं दे रही है लेकिन डब्ल्यू एक ऐसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने सबको इक्वल वोटिंग पार दी है आपकी जी कितनी है आपका सब कुछ कितना भी क्या है आपको एक एक ही वोट यहाँ पे दे करके रखा हुआ है तो बेटर शेयर लेकर के आना चाहे वो लीस्ट डेवलप कंट्रीज ही क्यों ना हो एक बेटर शेयर लेकर के आना किसका काम डब्ल्यू का सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी गई हमने कहा हमें एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है ये नहीं कि प्रॉफिट के पीछे भागते चले जा रहे हैं और एनवायरमेंट प्रोटेक्ट

कह रहा है डब्ल्यूटीओ आपको हर एक तरीके के रूल्स एंड प्रोसीजर्स गवर्न करता है जब डब्ल्यूटीओ आने वाला था ना हमें एज एन इंडिया हमें डब्ल्यूटीओ की मेंबर कंट्री बनना था उसके लिए हमें कितना सब जद्दोजहद करनी पड़ी 1991 में हम क्या लेके आए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाए हमने लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन की बात करी इस पर्टिकुलर एल पॉलिसी की हमने बात करी और एल पॉलिसी के तहत हमने क्या किया अपनी इकोनॉमी ओपन अप करने की बात करी इसके बाद में हमने फेमा एक्ट लेकर के आया 1999 के अंदर हमको रिस्ट्रिक्शंस कम करने पड़े करीबन दो हज़ार ऐसी गुड्स uh, थे जिनके इंपोर्ट के रिस्ट्रिक्शंस हमें घटाने पड़े यानी इतनी सारी चीजें हमने करी तब जाकर के हम डब्ल्यू टी ओ के मेंबर बन, बन पाए इसी तरीके से सारी कंट्रीज को करना पड़े यानी डब्ल्यू टी ओ ट्रेड फैसिलिटेट करने के लिए आई थी उन्होंने कहा था ये बाधाएं हटाओ ये रिस्ट्रिक्शन हटाओ ट्रेड के तहत पूरे वर्ल्ड को ट्रेड की इजाजत होनी चाहिए आप ट्रेड करिए थोड़ा बहुत आप इंपोर्ट के ऊपर टैरिफ्स लगा रहे हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स लगा रहे हैं दैट्स कंप्लीटली फाइन लेकिन ये नहीं कि अन्य ससरी, इतनी सारी बाधाएं आप लगाने की कोशिश कर रही है सीकिंग ट्रेड डिस्प्यूट हो रहा है अगर तो डब्ल्यूटीओ इसको सॉल्व करेगा नेशनल ट्रेड पॉलिसीज भी देखता है ये भी देखता है कि आपकी ट्रेड पॉलिसी क्या है आप अपनी खुद की कंट्री के अंदर जो एग्रीकल्चरल के लिए पैसा दे रहे हैं या कुछ दे रहे हैं गवर्नमेंट की जो सब्सिडीज वगैरह होती है वो भी डब्ल्यू के पैरामीटर्स के हिसाब से होनी चाहिए नहीं कि आप कुछ भी कुछ भी दे रहे हैं ट्रेड रिव्यू मैकेनिज्म है इंटरनेशनल ट्रेड के डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे आप कह सकते हैं कोऑर्डिनेट करता है दूसरी आपकी जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हैं जैसे वर्ल्ड बैंक है आईएमएफ है इनसे कोऑर्डिनेट करता है ग्लोबल पॉलिसी मेकिंग के लिए यानी हैंड इन हैंड उनके साथ में काम करता है नेक्स्ट आ जाते हैं ईयू दैट इज यूरोपियन यूनियन यूरोपियन यूनियन ग्रुप ऑफ ट्वेंटी सेवन कंट्रीज का ग्रुप है ऑफिशियल करेंसी इनकी यूरो है यहाँ पे हम क्या बात करते हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर कि ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं ये जो यूनियन बना है इनके अंदर गुड्स का सर्विसेज का लोगों का जो मूवमेंट है इसके ऊपर किसी तरीके की कोई बाधा नहीं है यानी जो भी ईयू की मेंबर कंट्रीज हैं, इनके लोग इनके गुड्स आपस में इधर उधर जो जाते हैं किसी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और इनकी एक ऑफिशियल करेंसी भी है दैट इज ई यू में यू जो यू था उससे ब्रिटेन ने एग्जिस्ट एग्जिट जो है वो कर लिया था 2016 में मतलब बोला था कि एग्जिट करेंगे 2020 में फाइनली ब्रिटेन एग्जिट कर गई अभी फिलहाल 27 कंट्रीज हैं केवल नाफ्टा की बात करेंगे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट बिटवीन थ्री कंट्रीज दैट इज यूएस कैनेडा एंड मेक्सिको नाफ्टा आया कब 1994 के अंदर आया रिप्लेस कर दिया इसको यूएसएमसीए के द्वारा अभी भी सेम ही है लेकिन 2018 में यूएसएम सी ए ने इसको एक्सपोर्ट कर दिया हाँ तो अगर मतलब डब्ल्यूडीओ को लगता है कि इस चीज का नहीं होना चाहिए इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए तो वो बिल्कुल लगाएगा क्योंकि हम वर्ल्ड को एक बेटर ट्रेड की प्लेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं अब कोकेन का एक्सपोर्ट थोड़ा माउ करेगा। चलो यहाँ तक कि अभी कवर अप करते हैं विल टेक अ टेन मिनट्स ब्रेक अभी कितना बज रहा है तीन बज के पाँच मिनट हो रहे हैं थ्री फिफ्टीन पे हम लोग वापस मिलेंगे थ्री ट्वेंटी पे ठीक तीन बीस से वापस ये वाला सेशन हम कंटिन्यू करेंगे वापस आ जाएगी इस सेशन के ऊपर तीन बीस पे एग्जैक्ट मैं वापस से स्टार्ट कर दूंगी जब तक आप लोग भी पानी वानी पी लीजिए ब्रेक ले लीजिए तीन बीस पे आएंगे अभी तो चलेगा शाम तक चलेगा ये सेशन विजय चलो ब्रेक ओवर ज्वाइन करो अब वापस से स्टार्ट करते हैं हम लड़कियां ऑन टाइम आ रही हैं अकाउंटिंग से अपना डिस्कशन हम बिगिन करेंगे अब मैक्सिमम जितना तो आज ट्राई हो पाएंगा जितना तो कर पाएंगे <clears throat> उतना जितना आपका माइंड एग्जॉस्ट ना हो क्योंकि हम रिविजन कर रहे हैं दिमाग में घुसना भी चाहिए एक ऐसी ही रिविजन मैराथन और लगाएंगे उसी के जस्ट आगे से वापस से लाइक एग्जाम से पहले पहले अपन बहुत सारा सब कुछ रिवाइज और ये सब कुछ करेंगे रोजाना एक बजे भी जुड़ा करो बहुत सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम लेवल क्वेश्चंस है वो सारे मैं आपको प्रैक्टिस कराती हूँ कॉन्सेप्ट्स कराती हूँ इससे भी अगेन बहुत हेल्प मिलेगी आपको एक डेली बेसिस पे अब मतलब गांड मान लो कि एक बजे तो जाना ही जाना है क्लास के अंदर वॉइस भी टाइम चलो स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग क्या होता है अब एक ऐसा सिस्टम देखो हम बिजनेस कर रहे हैं यानी बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं किसी चीज की एंड टूवर्ड्स दी एंड हमारा मुद्दा क्या है प्रॉफिट कमाना तो अब मैंने प्रॉफिट कमाया या नहीं कमाया है ये कैसे पता चलेगा हवा में तो पता चला या नहीं हमें क्या करना पड़ेगा भाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे कि भाई कितना पैसा आया कितना पैसा गया ये सारी चीजें मुझे लिखनी पड़ेंगी एक खाता बनाना पड़ेगा मुझे एक अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसमें ये सारी चीजें मैं रिकॉर्ड करूंगी तभी ना पता चलेगा मुझे कि टुवर्ड्स दी एंड मेरे को प्रॉफिट हुआ या मेरे को लॉस हुआ यहाँ पे तो ये कहलाता है अकाउंटिंग करने की कोशिश करना यानी जब हम बिजनेस के एक्टिविटीज को मेजर करने के लिए इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं रिपोर्ट्स और हम कहीं ना कहीं डिसीजन मेकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीजन मेकर कौन कौन हो गए मेरी गवर्नमेंट को जानना है तुमको कितना प्रॉफिट हुआ टैक्सेशन लग, कमाई की ना आपसे तो गवर्नमेंट जानना चाहती है कितना प्रॉफिट कमा रहे हो ताकि चलो टैक्स लेंगे ना हम लोग यहाँ पे फिर उसके बाद में क्रेडिटर भाई मैं अगर किसी कंपनी में पैसा लगा रही हूँ मुझे जानना है ना अच्छा मेरा पैसा डुबा तो नहीं दे रहा हूँ

सबसे पहला गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स इस तरीके से मेंटेन करिए कि आप बड़े लंबे समय तक बिजनेस करने वाले हैं ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आपने अकाउंट्स इस तरीके से बना ली कि भाई जो पैसा बचा आपस में बांट बांट के खत्म कर दिया ऐसा नहीं करना कैरी फॉरवर्ड करना है ट्रांजेक्शन को इस तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करिए कि आपका बिजनेस एक लॉन्ग रन में एक लंबे समय के लिए चलने वाला है जैसे अगर आप आ, बात करिए असिट हमारा बोर्ड कह रहा है करनी की तो आप बात करिए बीस सालों के लिए असेट लेते मान लेते हैं असेट की जिंदगानी बीस सालों की है क्या करते हैं भाई हर साल डिप्रिसिएट करते हैं असेट को वियर एंड टीयर करते हैं असेट्स का तोड़ मरोड़ और करते हैं क्या है भाई करके हम ये मानते हैं कि अगले 20 सालों तक के लिए हम इस असेट को डिप्रिसिएट करेंगे थोड़ा 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 अमाउंट और ये फंड्स क्रिएट करेंगे ताकि 20 सालों के बाद जब मुझे ये असेट को रिप्लेस करना है तो मेरे पास कुछ फंड्स अवेलेबल होगी इसके रिप्लेसमेंट के लिए अब ये हम क्यों कह रहे हैं भाई बीस सालों के बाद की बात कर रहे हैं तो मैं मान रही हूं ना कि बिजनेस मेरा सालों तक चलेगा और फिर हम ये बिजनेस के एसेट को तो रिप्लेस करेंगे और आगे काम करेंगे सो दिस दिस इज इज नोन एज गोइंग कंसर्न हमारे लिए हर साल जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं पी एन एल वगैरह देखा है तो उसके अंदर आपने देखा होगा बैलेंस ब्रॉड डाउन बैलेंस कैरी फॉरवर्ड तो अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं पिछले साल का बैलेंस ब्रॉड डाउन कर रहे हैं यहाँ पे हम दिस इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। बोल रहे हैं एक साल जिस तरीके के स्ट्रेटजी आप बनाई है यानी जो प्रिंसिपल्स यूज करिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने के लिए वो कंसिस्टेंटली आप यूज करिए जैसे अगर आप डेप्रिसिएशन के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कमिंग ईयर्स के अंदर यानी लंबे समय तक के लिए आप इसी मेथड का इस्तेमाल करिए ऐसा दल मतलब इधर उधर ना पलटिए थाली का बैगन मत बनिए कि एक साल स्ट्रेट लाइन मेथड अपना लिया फिर रिटर्न आउट मेथड पे आ गए फिर स्ट्रेट लाइन मेथड कर रहे बोलो ऐसा मत करो वरना खुद से ही कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाएगा यानी कैसे कंपेयर करूंगी खुद के प्रॉफिट्स को खुद से कि मैं बेहतर कर रही हूँ या मैं नीचे जा रही हूं अगर तो मेरे को कंपेरिजन करने में दिक्कत होगी तो बोल रहे की कोशिश करिए तो दूसरा कॉन्सेप्ट कह रहा है कंसिस्टेंसी अपनाने के लिए तीसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखा है अक्रूवल कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर जब भी आप एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं वो तब रिकॉर्ड करिए जब वो अक्रू हो गए हैं भले ही आपने अभी उनका पेमेंट नहीं किया हो हो तब भी आप उनको रिकॉर्ड कर लीजिए जैसे रेंट है वो आपका ड्यू गया दो तारीख को दो जून को पेमेंट नहीं किया आपने लेकिन दो तारीख को बुक्स ऑफ तो अकाउंट्स के अंदर एंट्री कर लीजिए आपने क्योंकि ये अक्रू कर गया है आपका एसेट आपका एक्सपेंसिस को कहते हैं अक्रूल कॉन्सेप्ट आपका क्स्ट आइए बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है सेपरेट एंटिटी लीगल एंटिटी इकोनॉमिक एंटिटी कहता है कि ओनर और बिजनेस दो अलग-अलग लोग हैं। ओनर कौन है मेरा एक नेचुरल पर्सन और बिजनेस जो है वो है मेरा एक आर्टिफिशियल पर्सन बोल रहे हैं दोनों अलग अलग लोग है इसीलिए बिजनेस को आप जो भी पैसा देते हैं जो भी कैपिटल देते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक लाइबिलिटी होती है जिसको बिजनेस अपने मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ऐसी ही ट्रांजेक्शन को केवल हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं जिनको हम मनी के टर्म्स में रेफर कर सकते हैं रिकॉर्ड कर सकते हैं मेरी ऑनेस्टी कितनी भी अच्छी है बिजनेस के लिए मेरे ऑनेस्ट होने से बिजनेस को बहुत फायदा है कि मैं चोरी नहीं कर रही मैं फ्रॉड नहीं कर रही बट आई कैन नॉट रिकॉर्ड इट इन माय बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड खाली वो चीजें करेंगे जिनको पैसे के टर्म्स में आप लिख पाए चौथा सॉरी 1 2 3 4 5 छठा अकाउंटिंग पीरियड कौनसे अब देखो अकाउंट्स बनाएंगे कुछ समय होना चाहिए ना कि इस समय के बाद देख लो कि प्रॉफिट आया लॉस आया क्या ट्रांजैक्शंस किया तो बोल रहे एक पीरियड होता है ना जिसके अंदर आप अकाउंटिंग करते हैं तो बोल रहे यूजुअली हम लोग एक साल के लिए एक साल का अकाउंट्स बनाते हैं जैसे पी एन एल वगैरह है ना एक साल का बनाते हैं कि इस एक साल में मुझे पता चले कि मैंने क्या क्या ट्रांजेक्शन किए टुवर्ड्स एंड इनकम हुई टुवर्ड्स दी एंड एक्सपेंस हुआ लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ क्या हुआ इसको कहते अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट यूजुअली एक साल का पीरियड हम फॉलो करते हैं नेक्स्ट आ जाता है सेवेंथ प्रिंसिपल कॉस्ट प्रिंसिपल हमारे लिए कॉस्ट प्रिंसिपल क्या कहता है जब भी भी आप बैलेंस शीट बनाते हैं ये साइड आपकी लाइबिलिटी साइड, ये साइड आपकी असेट साइड। तो असेट साइड पे जो आप बिल्डिंग लैंड मशीनरी ये सब रिकॉर्ड करते हैं ये रिकॉर्ड करते हैं उस कॉस्ट पे जिस कॉस्ट पे आप ये असेट को लेकर के आए थे यानी बिल्डिंग अगर आप 40 लाख ,00 की लेके आए थे कभी 10 साल पहले भी तो भी आज आप इसको चालीस लाख ,00 में ही रिकॉर्ड करेंगे कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करते ये कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट यानी एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट पहुंचते हैं एक डेबिट साइड पे एक क्रेडिट साइड के ऊपर कैसे जैसे अगर आप मान लीजिए सेल करते हैं किसी भी चीज की गुड्स की तो गुड्स आपके पास से बाहर जाते हैं और पैसा आपके पास अंदर आता है तो एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं डुअल इफेक्ट इसको कहते हैं या डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट भी इसको हम कहते हैं नेक्स्ट आ रहा है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट बोल रहा है रेवेन्यू को तब रिकॉग्नाइज करो जब एक्चुअल उसके पॉसिबिलिटी है होने की जैसे आपका कोई बहुत अच्छा फ्रेंड है बेस्ट फ्रेंड है धोखेबाज होते हैं बहुत ज्यादा कहते हैं पांच मिनट में आ रहा हूं लेकिन निकले भी नहीं होते हैं घर से तो इसी तरीके से आपका कोई दोस्त यार कोई भी है वो कह रहा है मैं आपसे पचास लाख के गुड खरीदूंगा मत रिकॉर्ड करो ना भरोसा मत करो जब तक इस ट्रांजैक्शन के होने की पूरी पॉसिबिलिटी ना हो यानी अगर कुछ एडवांस दे देंगे आपको ऐसा कुछ हो जाए तब रिकॉर्ड करो अदरवाइज इनकी बात पे भरोसा मत करना यानी रेवेन्यू को तब रिकॉग्नाइज करोगे जब उसके होने की पूरी पूरी संभावना हो जाए आपकी अदरवाइज इसको मत रिकॉर्ड करना कौन सा कॉन्सेप्ट कह रहा है रेवेन्यू रिकोगशन कॉन्सेप्ट कह रहा है तीसरा है हमारा तीसरा नहीं है ना बहुत नीचे तक आ गए मैचिंग प्रिंसिपल मैचिंग प्रिंसिपल क्या कह रहा है अब जैसे मान लो सेल कर रहा हूं 2017 में ये फाइनेंशियल ईयर 2017 वाला जो तो पचास हजार की सेल करी इस पचास हजार की सेल पे 10 प्रतिशत कमीशन देना था किसी को लेकिन ये कमीशन आपने पे किया 2018 में कब रिकॉर्ड करोगे सत्रह में रिकॉर्ड करोगे इसको अट्ठारह में रिकॉर्ड करोगे इसको बताओ सेल करी 2017 में 50,000 की इस 50,000 की सेल पे 10 प्रतिशत की कमीशन देनी थी किसी को लेकिन एक्चुअल में कमीशन आपने पे करी है 2018 में रिकॉर्ड कब करोगे बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर Concept, uh, काजल कहता है कि जो असेट्स को आप रिकॉर्ड करते हैं ना बैलेंस शीट के अंदर वो कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं जिस कॉस्ट पे आप उनको लेके आए थे चालीस लाख का बिल्डिंग लेके आए तो चालीस लाख पे रिकॉर्ड करोगे उसके करंट प्राइस क्या है मार्केट के अंदर उस प्राइस पे रिकॉर्ड नहीं करते कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं ठीक तो 2017 में क्योंकि ये सेल करी थी हमने और ये इसी इनकम से रिलेटेड एक्सपेंसेस था तो ये जो एक्सपेंस है यहीं पे ड्यू हो जाएगा यहीं पे आप इसकी रिकॉर्डिंग कर देंगे इवन इफ आप इसको 2018 में पे कर रहे हैं खर्चा 2017 का ही है अगर 2017 में आपने रिकॉर्ड नहीं किया इस खर्चे को तो प्रॉफिट आपके ज्यादा आएंगे क्योंकि ये खर्चा आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया दो में अगर इस खर्चे को दिखा दिया तो दो का प्रॉफिट गिर जाएगा कम हो जाएगा जबकि वो खर्चा 2018 का था ही नहीं तो मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है जो खर्चा जिस इनकम से रिलेट करता है उसको उसी के साथ उसी पीरियड में रिकॉर्ड करिए जब आपकी वो इनकम ड्यू हुई है या रिकॉग्नाइज हुई है नेक्स्ट आ जाता है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई अपने मन से मत बनाओ बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं तुम्हारा मन कर रहा था इस दिन रिकॉर्ड करने का ऑब्जेक्टिव यानी बायस्डनेस मत करो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ये है हमारे पास में कुछ अकाउंटिंग के या अजम्पशन फिर आ जाते हैं हमारे कुछ अकाउंटिंग कन्वेंशन है पहला कन्वेंशन है फुल डिस्क्लोजर का बोल रहा है, सब कुछ डिस्क्लोज करो अगर आप वाइंड अप कर रहे हो तो नीचे एक छोटी सी लाइन लिख दो कि भाई मैं वाइंड अप कर रही हूँ यानी जितनी चीजें आपके यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिक्वायर्ड है वो सारी चीजें आप डिस्क्लोज करने की कोशिश करेंगे कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी यानी वो ट्रांजेक्शन आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं जो आपको लगता है कहीं बहुत छोटे ट्रांजेक्शन है जिन ट्रांजेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके प्रॉफिट के ऊपर जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है भाई इतना प्रॉफिट कमा रही है करोड़ों अरबों में इसके ट्रांजैक्शंस जा रहे हैं इन्होंने अगर कोई पांच रुपए का पेन खरीदा इरेजर खरीदा स्टेशनरी खरीदी नहीं भी रिकॉर्ड करेंगे ना कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इनके प्रॉफिट के ऊपर तो मटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि भाई इस तरीके से छोटे छोटे से ट्रांजैक्शन है तो इफ यू वांट यू कैन

रिलायंस कर सकती है बड़ी कंपनी है यहां पे कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है जिसको आप कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल भी कहते हैं बोल रहे हैं इनकम को यानी जो आपको रेवेन्यू रहा है इसको तब रिकॉर्ड करोगे जब इसके होने की पॉसिबिलिटी हो जाए यानी जब तक होगा नहीं तब तक रिकॉर्ड नहीं करोगे लेकिन अगर एक्सपेंस की बात करो अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कोई खर्चा कोई लाइबिलिटी होने वाली है उसको तुरंत कंसिडर करो तुरंत रिकॉर्ड कर लो बैड डेट्स का प्रोविजन बनाते थे बैड डेट्स हुई नहीं है अभी

नेक्स्ट बात करेंगे हम हमारी जो है कॉरपोरेट रीस्ट्रक्चरिंग की टेक्निक्स के ऊपर कॉरपोरेट रीस्ट्रक्चरिंग होता क्या है आजकल आप इतना सारा सुन रहे होंगे न्यूज वगैरह के अंदर की मर्जर हो रहा है इसने उसको खरीद लिया है प्राइवेटाइजेशन हो रहा है ये हो रहा है वो हो रहा है तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग रीस्ट्रक्चर डाउन करने की कोशिश करना कि भाई ये कंपनी थी चल नहीं पा रही है ढंग से या इसको और एक्सपेंड होना है या इसको और जो है डाउन साइज करना है इस तरीके की कोई चीज करनी है तो हम कहेंगे इसको क्या करना है रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश करना है रीस्ट्रक्चरिंग अपन बहुत प्रकार से बहुत तरीके से करते हैं एक रीस्ट्रक्चरिंग होती है जब आप एक्सपेंशन के लिए कर रहे हैं यानी अपना बिजनेस इस लेवल पे था इसको इस लेवल पे लेके जाना है यानी एक्सपेंशन करना है अपने को तो एक हो गया एक्सपेंशन की टेक्निक्स जहां पे आप मर्जर करते हैं टेक ओवर ज्वाइंट वेंचर स्ट्रेटेजिक अलायंस फ्रेंचाइजी दे रहे हैं किसी को आईपीआर दे रहे हैं यानी कॉपी ट्रेडमार्क वगैरह होल्डिंग कंपनीज बना रहे हैं टेक ओवर कर रहे हैं किस तरीके की आप चीजें कर रहे हैं ताकि आपका बिजनेस एक्सपेंड हो सके दूसरा तरीका होता है आपका डिस इन्वेस्टमेंट करने का डीमर्जर करना, या करना यानी दो तो एक साथ ही मिल गई सेल कर दिया कुछ हिस्सा कुछ हिस्सा जैसे गवर्नमेंट करती है ना प्राइवेट हैंड्स पे दे दिया इसको कहते हैं डिस करने की टेक्निक जहां पे आप डाउन साइज करने की बात करते हैं लिक्विडेशन कर दीजिए ऐसा और ये हो गई कुछ अलग टेक्निक्स आपकी जैसे रिवर्स मर्जर और ये सारी चीजें हमारे लिए आ, पंडित होता गया ना हमारे पास पता है कितनी क्लासेस है एक दिन में आठ के आसपास क्लासेस होती है एट आवर्स के आसपास तो पॉसिबल नहीं है इतनी देर खड़े रहना

पीपीटी बहुत सारी चीजें होती है बैक एंड पे भी जो हमें जैसे मैं कंटेंट आपको पढ़ा रही हूं, तो ये कंटेंट बना, बनाने में मुझे समय लगा है करीब एक हफ्ता मैंने इसके ऊपर वर्क किया है तब मैं आ रही हूँ तो बैक एंड पे वर्क रहता है तो एक दिन में आप सोचो कितना घंटा हम वर्क कर रहे हैं तो अगर पेड क्लासेस भी हम ऐसे लेने लग गए ना खड़े रह करके तो कुछ दिन के बाद पता चल रहा है हम खड़े ही नहीं हो पा रहे दैट इज वन ऑफ दी मेन रीजन कि हम पेड क्लासेस बैठ के लेना प्रेफर करते हैं ओके दिस इज वन ऑफ दी मेन रीजन ऐसा नहीं है कि कभी नहीं लेते खड़े होकर के लेते उसमें भी है बट थोड़ा सा मैनेज आउट करने की कोशिश करते हैं चलो फंड फ्लो स्टेटमेंट की बात करते हैं सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारे लिए फंड फ्लो स्टेटमेंट का फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है ऑल्सो रेफर्ड टू एज सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड तो फंड फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जैसे इस तरीके का एक अकाउंट बनता है एक स्टेटमेंट बनता है जहां पे फंड्स का हम लोग एप्लीकेशन एंड फंड्स का यूजेज यानी जिससे हमें फंड्स आ रहे हैं या जहां पे हम फंड्स को लगा रहे हैं वो सारी चीजें हम रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं फंड मींस आपका वर्किंग कैपिटल अगर करंट एसेट्स कंपनी के करंट लाइबिलिटीज से ज्यादा है तो हम कहते हैं कि हमने फर हमने क्या किया हमने यहाँ पे वर्किंग कैपिटल जो है उसको यूज करके रखा हुआ है तो वर्किंग कैपिटल यानी कि फंड क्या है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज हमारे लिए मीनिंग की बात करें फंड फ्लो स्टेटमेंट में तो हम इनफ्लो एंड आउटफ्लो इन का यानी वर्किंग कैपिटल का रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट की अगर हम बात करें बच्चा तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में कुछ इस तरीके का आपका स्टेटमेंट बनता है देखो

इंटरेस्ट पे कर दीजिए डिविडेंड पे किया, टैक्सेस पे किया ये सारी चीजें आपके रिटर्न ये आपके एप्लीकेशन या आप कह सकते हैं आउटफ्लो ऑफ फंड्स के अंदर इंक्लूड होती है कुछ इस प्रकार का स्टेटमेंट बनता है फंड फ्लो के अंदर मैं आपको जूम करके यहाँ पे दिखा देती हूँ देखिए ऊपर क्या लिखा है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल यहां पे आप देखिए राइट पे लेफ्ट पे सबसे ऊपर करंट असेट्स लिखा हुआ है सबसे ऊपर देखिए क्या लिखा है करंट असेट्स लिखा है जितने करंट असेट्स हैं कंपनी के पास में ये इनका आप देखो ये दो सालों का मान लो दिस इज़ 2022 एंड दिस इज़ 2023 मान लो कैश था पहले 50 हजार रुपए का अभी है 60 हजार रुपए का तो क्या हुआ है इंक्रीज हुआ 10 हजार रुपए रिकॉर्ड कर देंगे यहाँ पे लिख देंगे हम इसी प्रकार से जितने भी यहाँ पे हैं, उनको आप रिकॉर्ड करेंगे देखो हर उसमें बैंक बैलेंस बैंक रिसीवेबल, डेटर इन्वेंट्रीज ये जितने करंट असेट्स हैं पिछले साल इनका बैलेंस क्या था इस साल इनका बैलेंस क्या है इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है? इस तरीके से आप इसको रिकॉर्ड करते हैं पास में इंक्रीज है हुए हैं क्या करंट करंट्स हमारे ओवरऑल हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं उसके बाद में उसी के जस्ट नीचे आ जाती है हमारे पास में करंट लाइव लाइबिलिटीज करंट लायबिलिटीज आप यहाँ पे देखिए तो क्या है क्रेडिटर्स हो गया बिल्स पेबल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एडवांस लोन ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म लोन ये सारी चीजें आ जाती हैं अगेन इसमें भी सेम काम करेंगे पिछले साल क्या क्या था इस साल क्या क्या है इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ ये सारी चीजें अपन यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं आप देखो नीचे क्या आ गया यहाँ पे चिंता मत करो एग्जाम में बनाने को नहीं आएगा आपको खाली कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है टोटल करेंट लाइबिलिटीज हमने रिकॉर्ड करी पता चल जाएगा इंक्रीज हुआ करंट लाइबिलिटीज का या डिक्रीज किया पिछले साल के कंपैरिजन में फिर अपन क्या करेंगे टोटल नेटवर्किंग कैपिटल निकालेंगे करंट अस माइनस करंट लाइबिलिटीज ये हमारे पास में है पिछले साल का क्या था इस साल का क्या है पता चल जाएगा हमको पिछले साल से इस साल ओवरऑल वर्किंग कैपिटल मेरा इंप्रूव हुआ है या रिड्यूस हुआ है दिस इज एग्जैक्टली हाउ अ फंड फ्लो स्टेटमेंट वर्क्स नेक्स्ट आ जाते हैं हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर फंड फ्लो स्टेटमेंट से क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा पुट uh, अप होता है हालांकि एक एक दो दो क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जामिनेशन के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट से क्वेश्चन कंपेरेटिवली ज्यादा आते हैं आपके एग्जामिनेशन के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जहां पे आप कैश एंड कैश इक्वी को रिकॉर्ड करते हैं कैश क्या हो गया कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का इनफ्लो या आउटफ्लो बिजनेस के अंदर आप रिकॉर्ड करेंगे कैश इक्विवेलेंस क्या क्या हो गए वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स जिनको आप तीन महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं इन दोनों चीज़ों का इनफ्लो बिजनेस के अंदर या आउटफ्लो बिजनेस के अंदर आप रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं कुछ कुछ में याद करने पड़ेंगे अनंत आपको लॉ के अंदर सेक्शन जिसमें याद करने पड़ेंगे उसमें मैं आपको बता दूंगी जिसमें जिसमें याद करने पड़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ रिपोर्ट दैट गिव्स मूवमेंट ऑफ कैश ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड अब यहाँ पे हम इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश को रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं तीन एक्टिविटीज के तहत हम इसको बनाते हैं एक होती है हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज दूसरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज तीसरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी यानी आपके बिजनेस में जितना कैश आ रहा है या जितना कैश जा रहा है बिजनेस से बाहर ये सब को हम तीन कैटेगरी में तीन भागों में बांटते हैं ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या क्या हो गई वो एक्टिविटीज जो कि मेन एक्टिविटीज होती हैं किसी भी बिजनेस से रिलेटेड चाहे परचेज की बात करें आप चाहे आप सेल की बात करें जो एक्चुअल में आपका बिजनेस है जैसे मान लीजिए आपका बिजनेस है ये पर्टिकुलर जो जो इनको बनाने का तो इस से रिलेटेड जो भी रिलेटेडक्शन होंगे कैश में खाली कहाँ रिकॉर्ड करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में रिकॉर्ड करेंगे इस हेड को आप ओपन हेड भी कहते हैं यानी कोई ऐसा ट्रांजेक्शन है जो इन दो हेड्स में नहीं आता है उसको भी अपन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डाल देते हैं तो यहाँ पे अगर आप बात करें इस बॉटल के लिए रॉ मटेरियल लेके आएंगे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इस बॉटल को बेचेंगे खरीदेंगे वट एवर ट्रांजेक्शन जो मेरे मेन बिजनेस से रिलेट करेगा उसको मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में रिकॉर्ड करूंगी केवल कैश एंड कैश इक्वेलेंट के ट्रांजेक्शन्स नॉन कैश ट्रांजेक्शन कभी रिकॉर्ड नहीं होंगे यहाँ पे दूसरी एक्टिविटी आती है इन्वेस्टमेंट की अब एक बिजनेस है ऑब्वियसली वो वो इन्वेस्टमेंट्स करेगा चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हो चाहे वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हो इनमें इन्वेस्टमेंट्स इन्वेस्टमेंट्स करेगा investments की सेल होगी तो ये सारे ट्रांजेक्शन जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है ये सारे ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड कर देंगे हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर रिकॉर्ड कर देंगे इन्वेस्टमेंट कैसे कोई बिल्डिंग खरीद ली कोई बिल्डिंग बेच दी अगेन ये सारे ट्रांजैक्शंस क्या हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के ट्रांजैक्शंस हैं इट शोज द इन्वेस्टमेंट ऑफ अ बिजनेस जो एक बिजनेस करता है किसी सिक्योरिटी में किसी असेट में ये सारे इन्वेस्टमेंट्स आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा बनेंगे कोई असेट खरीद लिए किसी दूसरी कंपनी में आपने जाके शेयर्स या डिबेंचर्स खरीद लिए ये इन्वेस्टमेंट क्या ही पॉइंट है ये ये भी आप यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे इन शेयर्स इन डिबेंचर्स पे आपको इंटरेस्ट आपको डिविडेंड रिसीव हो रहा है कहाँ रिकॉर्ड करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर रिकॉर्ड करेंगे इन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपने किसी टैक्सेस का पेमेंट किया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर रिकॉर्ड करेंगे इसी तरीके से फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या हो गई जि, जिन भी एक्टिविटीज के थ्रू आप फाइनेंस को लेकर के आएंगे जैसे आपने कोई शेयर्स इशू किए कोई डिबेंचर्स इशू किए इनके ऊपर आप ने कोई डिविडेंड पे किया इंटरेस्ट पे किया ये सारी यानी जो भी आपके फाइनेंसिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज थी वो आप यहाँ पे रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग एक टॉपिक दैट इज बजट बजटिंग एंड बजेटरी कंट्रोल बजट का मतलब होता है जब भी आप फ्यूचर को ट्रैप करने की कोशिश करते हैं कि कल को मैं जब बिजनेस करूंगी तो मेरे को क्या क्या ट्रांजेक्शन होने चाहिए कितना पैसा आना चाहिए कितना क्या आना चाहिए इसको कहते हैं बजट बनाने की कोशिश करना बजट बनाने का जो तरीका होता है उस तरीके को कहते हैं बजटिंग करना एंड फाइनली हम जो भी बजट बनाया है उसके अकॉर्डिंगली जो हमारी एक्टिविटीज होती हैं उनको कन्फर्ड जब करने की कोशिश करते हैं उसको कहते हैं बजटरी कंट्रोल करने की कोशिश करना ठीक अब आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ बजट के ऊपर ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड यानी पीरियड के बेसिस पे हम बनाते हैं मेनली तीन तरीके के बजट एक होता है करंट बजट जो आज के लिए बन रहा है एक होता है शॉर्ट टर्म बजट जो आपका लेसर देन वन ईयर के लिए बनता है और एक होता है आपका लॉन्ग टर्म बजट यहाँ पे आप मीडियम टर्म बजट भी बोल सकते हैं जो दो से चार सालों के लिए बनता है और लॉन्ग टर्म बजट आप कह सकते हैं कि भाई लंबे समय के लिए यह बजट बन रहा है यूजली दो ही कैटेगरीज रखें तो भी सही है क्योंकि कोई डेफिनेशन uh, तो है नहीं हमारे पास में मीडियम टर्म के लिए तो so, हम कहते हैं एक साल तक के लिए बजट बन रहा है तो शॉर्ट टर्म हो गया लंबे समय के लिए बन रहा है बजट तो लॉन्ग टर्म बजट हो गया आज की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए बजट बन रहा है तो क्या हो गया करंट बजट बजट हो गया फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे बजट बन रहा है देखो कई बार होता है बिजनेस जो है वो बजट बनाती है मैन्युफैक्चरिंग जो फॉर्म है वो बजट बनाती है ये ध्यान में रखने ये ध्यान में रखते हुए कि उसको कितना प्रोडक्शन जो है वो करना है जैसे मान लो दस हजार यूनिट्स के प्रोडक्शन के लिए आपने एक बजट जो है वो बनाया कि इस दस हजार यूनिट्स के प्रोडक्शन के लिए कितने खर्चे होंगे कितने क्या होंगे आपने एक बजट बना लिया इस बजट में आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते यानी ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है ना दस हजार दिस कैनॉट बी चेंज्ड बजट विल बी फिक्स बजट एक फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए मैंने ये बजट बनाया है कि मैं दस हजार यूनिट से ज्यादा या कम का प्रोडक्शन कर रही हूँ तो मुझे दूसरा एक बजट बनाना पड़ेगा पड़ेगा ये बजट वर्क नहीं करेगा देन दिस इज अ फिक्स्ड बजट फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है एक ऐसा बजट जो हम इसलिए बनाते हैं ताकि मान लो अगर मेरे इन... प्रोडक्शन के अंदर ये जो यूनिट्स प्रोडक्शन के लिए मैंने बजट बनाया इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए डिपेंडिंग अपॉन मार्केट में डिमांड सप्लाई कितनी है मैं अगर इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना चाहूँ सेम ही बजट के अंदर थोड़ी चीजें ऊपर नीचे कर लू मेरे को वेरिएबल एक्सपेंसेस पता है पर हेड के चार्जेस पता है तो मैं थोड़े बहुत एक्सपेंसेस अगर चेंज करना चाहूं तो ऐसा जो बजट है दिस इज फ्लेक्सिबल बजट तो यहाँ पे दो कैटेगरीज ऑन दी बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्शन एकदम फिक्स है कि आप चेंजेस नहीं कर सकते फिक्सड बजट इफ यू कैन चेंज दैट इज अ फ्लेक्सिबल बेसिस ऑफ कवरेज की आप बात करें तो एक होते हैं आपके ऑपरेशन बजट जैसे अलग अलग, अलग एक्टिविटीज के लिए इसकी इसको आप जो है फंक्शनल बजट भी कहते हैं सॉरी नाम नहीं याद आ रहा था ऑपरेटिंग बजट को फंक्शनल बजट भी कहते हैं कि जो फंक्शंस के लिए बनाए जाते हैं जैसे सेल्स के लिए एक बजट बन गया प्रोडक्शन के लिए बजट हो गया कॉस्टिंग के लिए बजट बन गया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिसर्च डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन प्रोडक्शन लेबर मटेरियल यानी आप फंक्शंस के हिसाब से बजट बना रहे हैं कि कॉस्ट का बजट ये प्रोडक्शन का बजट ये रिसर्च का बजट ये तो इसको कहते हैं हम लोग फंक्शनल बजट बनाने की कोशिश करना अगर ये सारे बजट्स को आप क्लब कर दें भाई एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो तो एक ऑर्गेनाइजेशन का एक ओवरऑल बजट होगा जैसे दस करोड़ का बजट उसका ओवरऑल हो गया फिर इसने इस दस करोड़ में से कुछ पैसा दे दिया सेल्स को कुछ पैसा दे दिया प्रोडक्शन को कुछ पैसा दे दिया इन्होंने रिसर्च वालों को इन्होंने अपने अपने बजट्स बना लिए कि भाई एक करोड़ इनको अगर सेल्स के लिए मिला तो एक करोड़ का इन्होंने एक डिटेल्ड बजट बना लिया इस बजट को हमने कहा दिस इज फंक्शनल बजट इसी तरीके से हर एक डिपार्टमेंट के बजट्स बने जिनको हमने कहा ये फंक्शनल या ऑपरेशनल बजट है तो इन सारे बजट्स का एक महाबजट भी तो बनता होगा पूरी ऑर्गेनाइजेशन का जो बजट होगा इसको हम कहते हैं मास्टर बजट जो ये पूरे दस करोड़ का बनेगा कि ये दस करोड़ में से मैंने इतना सेल्स को दिया इतना इसको दिया इतना इसको दिया देन दैट इज नोन एज माय मास्टर बजट ऑपरेशन एंड फंक्शनल बजट ये एक ही होते हैं ठीक है अलग अलग यहाँ पे लिख गया गलती से फिर नेक्स्ट अगर अपन बात करें एक टाइप के आपके बजट होते हैं जो कि कैश के होते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर के होते हैं जिसको अगेन आप इसी कैटेगरी के अंदर क्लब कर सकते हैं नेक्स्ट आएंगे हम अलग अलग टाइप की कॉस्टिंग है हमारे पास में जिसको आप कवर अप करने की हम कोशिश करेंगे हाँ जी बिल्कुल आएंगे क्वेश्चंस इसके अंदर से क्वेश्चंस ना आ रहे होते तो मैं यहाँ अपना गला क्यों फाड़ रही होती तो मैं पढ़ाने के लिए कैसा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन आते हैं ना यहाँ से तभी तो पढ़ा रही हूँ इतनी देर से तीन घंटा हो गया सेशन का चलो प्रोसेस कॉस्टिंग की बात करेंगे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोसेस कॉस्टिंग कॉस्टिंग क्या होता है कॉस्ट अकाउंटिंग हमारा अकाउंट्स का वो ब्रांच है वो हिस्सा है जो प्रोडक्ट या मैन्युफैक्चरिंग जब आप करते हैं स, जो है गुड्स की या सर्विसेज की उनकी कॉस्ट के ऊपर काम करता है क्योंकि देखो जब भी, भी आप मार्केट में प्रोडक्ट लाने की बात कर रहे हैं उसका आप जो भी प्राइस डिसाइड करते हैं वो डिपेंड करेगा कहीं ना कहीं आपकी कॉस्ट के ऊपर अगर कॉस्ट ज़्यादा लग रही है तो आप ऑब्वियसली बात है मार्केट में प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर प्राइस पे सेल नहीं कर सकते क्योंकि लॉसेस होने लग जाएंगे आपको ऑब्वियसली तो प्रोसेस कॉस्टिंग सबसे पहले बहुत सारी अलग अलग टाइप के कॉस्टिंग है हमारे पास में जो आपके लेटेस्ट सिलेबस के अंदर ऐड हुई है पहला देखेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है एक ऐसा फॉर्म ऑपरेशन कॉस्टिंग का जहां पे हम जो स्टैंडर्डाइज होमोजीनियस प्रोडक्ट्स बनाते हैं जैसे लेट्स फॉर एन एग्जाम्पल एक कोई बिजनेस है जो ये टी शर्ट का प्रोडक्शन कर रहा है मान लीजिए ठीक है यानी गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है जैसे मान लीजिए फ्रूटी बन रही है फ्रूटी के जो जो टेट्रा पैक्स होते हैं ना दस रुपए वाले दस के ही आते ना शायद के आते हैं मान लो दस के आते हैं ठीक इनका मान लो प्रोडक्शन हो रहा है अच्छा ये क्या होमोजीनियस गुड्स है यानी ये एक प्रोसेस के तहत बन रहे हैं एंड टुवर्ड्स द एंड एक जैसा गुड निकल कर के आ रहा है हमारे पास में चाहे पैकेजिंग के टर्म्स की बात करें क्वांटिटी की बात करें सारी चीजें एक जैसी निकल कर के आ रही हैं इस तरीके के गुड्स के प्रोडक्शन के ऊपर हम प्रोसेस कॉस्टिंग का एप्लीकेशन कर सकते हैं जहां पे हम स्टैंडर्डाइज गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं यानी एक जैसे गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं एंड टूवर्ड्स दुड्स गुड्स हमारे पास में निकल करके आ रहे हैं तो अब यहाँ पे देखो ये जो फ्रूटी बन रही होगी वह क्या बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू होकर के गुजर रहा होगा अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता यार क्या प्रोसेस होता है इसका मान लीजिए पहले आप जो है मैंगो का पल्प होता होगा फिर इसमें कुछ प्रिजर्वेटिव वगैरह ऐड हो रहे होंगे उसके बाद में इसकी इस इसके पैक्स बनते होंगे फिर इसके अंदर फिल किया जाता होगा फिर इसको ऊपर से सील किया जाता होगा फिर इसकी वो स्ट्रॉल लगती होगी वो उस पर चिपकती होगी फिर आकर के इस तरीके से बहुत सारी आप कह सकते हैं स्टेप्स होंगी स्टेजेस होंगी प्रोसेस होंगी जैसे मान लीजिए प्रोसेस ए है प्रोसेस बी है प्रोसेस सी है प्रोसेस डी है तो अब क्या हो रहा है इस प्रोसेस में मान लो एक गुड्स आया है जो कि पंद्रह रुपए का था ज्यादा महंगा कर दिया पांच रुपए कर देते हैं। इन्होंने क्या किया भाई इस गुड्स के ऊपर कुछ मेहनत करी, कुछ इसके ऊपर चेंजेस किए एंड इसकी इनकी कॉस्ट लगी वन रुपीज की इन्होंने क्या किया इस गुड को सोलह रुपए पे मान लो या मान लेते हैं, क्यों हो गया ना? पे बी को दे दिया, .5 रुपीज इन्होंने अपना मान लीजिए प्रॉफिट ऐड कर लिया इस प्रोसेस में, सिक्स पॉइंट फाइव रुपीज पे इनको गुड मिला प्रोसेस बी के तहत इस पे इन्होंने मान लो खर्चा किया डेढ़ रुपए का प्रोसेस में मतलब ऑब्वियसली इनके पास में गुड आया तो इन्होंने कुछ ना कुछ उसके ना इम्प्रूवमेंट किया होगा फिर इन्होंने ये, कितने का हो गया अब ये का। इन्होंने अपना एक रुपए का दिया प्रोसेस सी वालों ने अगेन एक रुपए का कुछ इसके ऊपर काम वाम किया एक रुपए का इन्होंने भी अपना प्रॉफिट जोड़ दिया और ग्यारह रुपए के गुड्स को इन्होंने प्रोसेस डी में भेज दिया प्रोसेस डी वालों ने क्या काम किया इन्होंने भी अगेन एक रुपए का कुछ इसके ऊपर प्रोसेस किया यानी कुछ इंप्रूवमेंट किया एक रुपए इनको लगे इस इन्वेस्टमेंट पे एंड गिट अब गुड्स बन गया कितने का बारह रुपए का ये गुड्स बन गया फाइनली अब देखो हमने कहा बारह रुपए की मेरी क्या लगी कॉस्ट लगी इस गुड्स को बेचते हुए मार्केट के अंदर चलो चौदह रुपए में अब सोचो लेट्स सी फॉर एन एग्जांपल मेरा ये गुड़ 12 रुपए में क्या जो बना था वो 14 में सेल नहीं हो पाया 11 रुपए में सेल हुआ क्या मैं कहूंगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो हम दिखाएंगे कि लॉस हो गया मुझे 12 रुपए का गुड़ज बनाया था 11 रुपए में बेचना पड़ गया गुड़ज को लॉस हो गया क्या एक्चुअल में लॉस हुआ है हमें अगर मैं प्रोसेस कॉस्टिंग को अब देखूं तो क्या एक्चुअल में लॉस हुआ बिजनेस में या इन्होंने टैक्स की चोरी करने के लिए दिखा दिया खाली लॉस क्या वो गुड एक्चुअल में बारह रुपए का बना था या कितने का एक्चुअल एक्चुअल गुड की कॉस्ट कितनी है बताओ एक्चुअल गुड की कॉस्ट कितनी है एक्चुअल गुड की कॉस्ट कितनी है एक्चुअल गुड़ की कॉस्ट पांच रुपए में इनको गुड मिला था एक रुपए इन्होंने लगाया इसके ऊपर छह रुपए हुआ छह रुपए पे इन्होंने डेढ़ रुपए लगाया था कितना हुआ साढ़े सात रुपए हुआ साढ़े सात रुपए पे एक इन्होंने लगाया कितना हो गया साढ़े सात साढ़े आठ रुपए हो गया साढ़े आठ रुपए एक इन्होंने लगाया कितना हो गया साढ़े नौ इतनी कॉस्ट लगी है इनकी इनकी कॉस्ट इतनी ही लगी है बाकी ये तो इन्होंने अपने मन मर्जी का प्रॉफिट यहाँ पे ऐड करके रखा हुआ है वो हटा दो एक्चुअल कॉस्ट कितनी लगी है हमारी फाइव प्लस वन सिक्स वन पॉइंट फाइव सेवन पॉइंट फाइव हुआ एट पॉइंट फाइव हो गया यहाँ पे अरे सॉरी एट पॉइंट मैंने गलती से नाइन बोल दिया ना एट हुआ एट मेरी एक्चुअल कॉस्ट लगी है एक तो जो ऑडिट करने बंदा आएगा उसको पता चलेगा कि भाई आपकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी लगी प्रोसेस कॉस्टिंग की मदद से दूसरा आपको खुद को पता चलेगा हर एक प्रोसेस पे कितनी कॉस्ट लग रही है अगर कभी कॉस्ट ज्यादा लग जाए तो आप खुद बता पाओगे कि किस प्रोसेस के अंदर कॉस्ट ज्यादा लग गई या किस प्रोसेस के तहत आपका मान लीजिए कुछ ना कुछ तो आपका रॉ मटेरियल मतलब खराब निकलता है ना गुड्स वगैरह कुछ यहाँ पे ज्यादा आपका डिस्चार्ज हो गया गुड्स वगैरह वो सब आपको प्रोसेस कॉस्टिंग के तहत पता चल जाएगा Hopefully, समझ आया होगा नेक्स्ट आ जाते हैं हम ए बी सी कॉस्टिंग के तहत यानी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के ऊपर आ जाते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या कहता है देखो लेट से फॉर एन एग्जाम्पल ये है एक मशीन मशीनरी ए इस मशीन पे दो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं एक गुड्स एक्स और एक गुड वाई। ये मशीन एक बार में दस हजार गुर्ज का प्रोडक्शन करती है और ये गुर्ज का जब वो प्रोडक्शन करती है तो वो एक हजार रुपए की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है क्या बोला मैंने मैंने कहा एक मशीनरी है जिसके ऊपर दो गुड्स बना रही है एक कंपनी गुड गुड एक्स वाई ये मशीनरी एक बार में दस हजार गुड्स का प्रोडक्शन करती है एक हजार की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है अच्छा ये इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज अगर आपको करना हो यानी ये इलेक्ट्रिसिटी का जो एक्सपेंस है इन दोनों गुड्स पे चार्ज करना हो तो आप कितने कितने रुपए एक गुड्स को चार्ज करोगे कॉस्ट में एड होगा ना ये खर्चा जो इलेक्ट्रिसिटी हम कंज्यूम करेंगे मतलब तो कितने कितने रुपए ऐड हो जाएगा यहाँ पे अगर मैं आपको पूछू आपसे एक हजार रुपए की इलेक्ट्रिसिटी ये मशीनरी प्रोड्यूस कर रही है, दो गुछ, दोनों गुछ पे अगर मुझे चार्ज करना है तो मैं कितना करूंगी अनंत मैं रोज कराती हूँ बजे मंडे टू सैटरडे कराती हूँ आप आ आए हैं पहली बार क्लास में सारी यूनिट्स से रिलेटेड कराया मैंने पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है मेरे चैनल के ऊपर देखिए प्लेलिस्ट और कल से रोज जुड़िए एक बजे बताओ कितने कितने रुपए चार्ज कर दोगी इन जनरल अगर मैं आपको बोलूं तो आप कहोगे कि मैम पचास प्रतिशत यहाँ चार्ज कर दो पचास प्रतिशत यहाँ चार्ज कर दो यानी पांच सौ रुपए इनके खाते में डाल दो पांच सौ रुपए इनके खाते में डाल दो एबीसी कॉस्टिंग क्या कहता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या कहता है कि अगर गुड एक्स मान लो गुड एक्स ने प्रोडक्शन किया है खाली दस प्रतिशत का यानी इस टोटल प्रोडक्शन में इनका हिस्सा खाली दस प्रतिशत था और इनका हिस्सा नब्बे प्रतिशत था तो बोल रहे हैं जितनी हमने यूटिलाइजेशन करी है कॉस्ट की उतना ही खाली हमें जो है वो यूटिलाइज करो हमारे ऊपर चार्ज करो तो बोल रहे हैं अगर इन्होंने खाली दस प्रतिशत किया है इसका तो इनके ऊपर कॉस्ट भी खाली 10 ही बाकी बाकी गुड्स तो महंगा हो जाएगा यहाँ पे अगर आप पचास लगाएंगे तो गुड्स सस्ता हो जाएगा जो नौ सौ रुपए की चार्ज कर रहा है तो एबीसी क्या कहती है

कॉस्टिंग करने की कोशिश करना नेक्स्ट आ जाओ लाइफ साइकिल कॉस्टिंग देखो। एक एक प्रोडक्ट है। है। इसकी जिंदगानी जिंदगी दो बीस साल तीस साल जो भी है अब देखो यार ये या मैं प्रोडक्ट है इसको मैं बनाऊ ना बनाऊ या एक असेट है उसको मैं लू ना लू किस चीज पे डिपेंड करेगा कॉस्ट कौन सी खाली जो मैं आज कॉस्ट लगा रही हूँ क्या वो मैटर करेगी अच्छा जब गाड़ी खरीदते हैं तो ये तो नहीं देखते ना खाली कि गाड़ी सात लाख की है और वो आठ लाख की है तो चलो सात लाख वाली खरीद लेते हैं ऐसा तो नहीं करते हम हम ये भी तो देखते हैं कि मेंटेनेंस की कॉस्ट कितनी पड़ती है यानी अगर ये पूरी लाइफ गाड़ी मेरे पास रही बार बार बंद पड़ती रही बार बार सर्विस कराना पड़ा तो मेरे को तो एक्चुअल में कॉस्ट ज्यादा लग जाएगी लाइफ साइकिल कॉस्टिंग क्या कह रहा है भाई ये पूरा प्रोडक्ट की कॉस्ट देखो पूरी जिंदगानी में इसके ऊपर कितनी कॉस्ट लगेगी ये सब देखने की कोशिश कर दो अब तो आ गई होगी ना आनंद आपको एबीसी कॉस्टिंग समझ में तो मीनिंग क्या हो गई लाइफ साइकिल कॉस्टिंग की यहां से रिलेटेड है कितनी कॉस्ट कितना रेवेन्यू जनरेट होगा ये पूरा आप देखने की कोशिश करते हैं ये जो कॉस्टिंग की टेक्निक है इसको क्या कहेंगे लाइफ साइकिल कॉस्टिंग करने की कोशिश करना तो तीन कॉस्टिंग हमने देखी यहां पे तीन कौन कौन सी देखी सबसे पहला कौन से देखी थी सबसे पहली प्रोसेस कॉस्टिंग सॉरी मैं भूलगी प्रोसेस है? करती हैं है, तो हम लोग देखते हैं इससे मेरे को बहुत सारे बेनिफिट है एक तो मुझे पता चलेगा हर प्रोसेस की कितनी कॉस्ट आ रही है मैं कॉस्ट कंट्रोलिंग कर पाऊंगी टुवर्ड्स वर्ट दी एंड मुझे पता चलेगा एक्चुअल कॉस्ट कितनी है तो मैं एक्चुअल कॉस्ट के बेसिस पे मैं प्राइसेस लेकर के आ पाऊंगी अदरवाइज अगर मैं ज्यादा प्राइसेस लेकर के आती हूँ ज्यादा हायर प्राइस पे गुड्स लेकर आती हूँ तो मेरे प्राइसेस है वो वो मेरे जो हैं रिड्यूस होने लग जाते मैं कराऊंगी सारे के सारे क्वेश्चंस कराऊंगी उसकी चिंता मत करो आपका काम है क्लास के अंदर जुड़ना आपको पढ़ाना मेरा काम है तो रोजाना जुड़ना आपका काम है नेक्स्ट आ जाते हैं अपन लाइफ साइकिल हम, हम सारी कॉस्ट जो भी आपकी लग रही हैं अलग अलग रेवेन्यू थ्रेड्स जो भी चीजें हैं वो सब अपन देखने की यहाँ पे कोशिश करते हैं नेक्स्ट आ जाते हैं हम टारगेट कॉस्टिंग के ऊपर टारगेट कॉस्टिंग है अच्छा आप जैसे एक कस्टमर हो आपको मान लो मैं गुड्ज लेके आऊँ पचास रुपए का मैं जिस भी प्राइस पे आपको गुड्ज लेकर के आऊंगी मान लो मेरे को पैतालीस रुपए का ये गुड्ज हो रहा था और मैंने आपको पचास रुपए में ये गुड्स दिया क्या आप इसको परचेस कर लोगे बस इतनी सी कहानी है आप बैठे तो हो नहीं क्यों कंपनी जितने पैसे में मुझे गुड्स बेचे मैं खरीद लू नहीं करते ना पहले हम हम कहेंगे यार ये गुड्ज है ही नहीं पचास रुपए का इस गुड्स के लिए मैं पच्चीस रुपए खरीदूंगी यह दूंगा तो ये बेचारी कंपनी अगर पच्चीस रूपए में आपको गुड्स देने लग गई इसने बनाया पैतालीस रुपए में इनको तो लॉस हो जाएगा टारगेट कॉस्टिंग क्या कह रही है टारगेट कॉस्टिंग कहती क्या है कि भाई सबसे पहले एक काम करो टारगेट देखो कॉस्ट का कैसे बोल रहा है सबसे पहले कस्टमर से पूछो कि वो एक इस टाइप का प्रोडक्ट जिसमें ये ये क्वालिटी ये ये फीचर्स हैं, इस टाइप के प्रोडक्ट्स को वो किस प्राइस पे खरीदने को तैयार है तो कस्टमर से हमने सर्वे अरवे किया सब कुछ किया हमको पता चला कस्टमर पच्चीस रुपए में इस तरीके के गुड्स को खरीदने को तैयार है अब कंपनी कहेगी कि ठीक है कस्टमर को चाहिए पच्चीस रुपए में गुड्स मुझे प्रॉफिट भी तो चाहिए ना हमने कहा मुझे प्रॉफिट चाहिए दो का इसका मतलब मुझे कि, किस कोस्ट में प्रोडक्शन करना है तेईस रुपए में ये है मेरी टारगेट कॉस्ट ये क्या है मेरी टारगेट कॉस्ट उल्टा चलते हैं यहाँ पे ये नहीं कि पहले प्रोडक्शन कर लिया फिर प्राइस डिसाइड कर रहे यार प्राइस में आप प्रोडक्शन करोगे कस्टमर ना ले आपका प्रोडक्ट तो बचा रह जाएगा ना फेंकना पड़ जाएगा प्रोडक्ट तो एक काम करो सबसे पहले तो कस्टमर को देखो वो क्या प्राइस पे करने को रेडी है फिर उसके अंदर देखो आपको कितना प्रॉफिट चाहिए उसके बाद ये जो कॉस्ट निकली है इस कॉस्ट में अब हम प्रोडक्शन करने की कोशिश करेंगे तो एक स्ट्रक्चर्ड है जिसके थ्रू हम कॉस्ट डिटरमाइन करते हैं प्रोपोज्ड प्रोडक्ट का कि क्या बेसिक फंक्शनैलिटी है क्या क्वालिटी होनी चाहिए प्रोडक्ट की कितने प्राइस में ये प्रोडक्ट मार्केट में जाना है उस बेसिस पे हम प्रोडक्शन करने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट आ जाएंगे हम काइजन कॉस्टिंग देखने की कोशिश करेंगे काइजन कॉस्टिंग क्या है देखो अब ये जो जैसे हम प्रोसेस कॉस्टिंग की बात कर रहे थे या किसी भी इस तरीके की कॉस्टिंग की बात करते हैं जहाँ पे हम ये कहते हैं कि देखो कॉस्ट ज्यादा तो नहीं आ रही है आपके प्रोडक्ट की अच्छा देखो एक बात प्रोडक्शन अगर मैंने कर दिया एज कंपनी गुड्स पे प्रोडक्ट पे प्राइस ज्यादा भी आई है अब कर आ सकते हैं वाला कहावत नहीं होती चिड़िया चुग गई खेत ना आई कैट डू एनी थिंग अब अगर मैंने गुड्स बना ही दिया है महंगा नाउ वॉट टू डू अब तो महंगा बन गया ना ये गुड्स, इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन अब अगर कस्टमर नहीं खरीदता गुड्स तो लॉस तो होगा भाई चाहे क्वालिटी खराब हो जाए प्रोडक्ट की प्राइस खराब हो जाए प्रोडक्ट का कुछ भी ये क्या हो गया हम लोग फॉलो कर रहे हैं टारगेट कॉस्टिंग दिस इज वॉट दिस इज लॉस का सिचुएशन अब देखो हम क्या करते हैं इन रियलिटी काइजन कॉस्टिंग के अंदर बोल रहे हैं कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करो मतलब टूवर्ड्स दिन पता भी चल रहा है कि कॉस्ट ज्यादा लग गई है इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन आप कर क्या सकते हो आप कुछ नहीं कर सकते तो काइजन कॉस्टिंग क्या कहता है कि भाई कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करो ना अगर एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन चल रहा है प्रोडक्शन चलते चलते आपको पता चल गया है कि ये गड़बड़ हो रही है यहाँ पे तुरंत उसको इंप्रूव कर दो प्रोडक्शन प्रोसेस को क्वालिटी एनहस करने की कोशिश करो तो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन आपको टुवर्ड्स दी एंड तक जो भी चीजें आएंगी जो आपको रिजल्ट निकल करके आएंगे वो

फिर आ जाती है एक दूसरी अप्रोच दूसरी कॉस्टिंग दैट इज जस्ट इन टाइम अच्छा जब भी भी हम लोग एक मार्केट जाते हैं कोई भी मार्केट प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मान लो एक आपको फ्रेगरेंस नहीं, नहीं है कोई परफ्यूम या कुछ भी ये परफ्यूम है दो हजार रुपए का जो आप खरीदने वाले हैं और तीन साल की इसकी एक्सपायरी है बना था दो हजार उन्नीस में अभी चल रहा है 2023, 2019 दिसंबर में बना तो ज्यादा जल्दी बना दिया मैंने 2020 में बना लो और एक्सपायरी कर लो तीन सालों की चार सालों की 2020 में एक प्रोडक्ट बना दिसंबर में चार साल की एक्सपायरी 2000 उसका प्राइस है आज चल रहा है 2023 हजार तेईस ये प्रोडक्ट अगर आप मार्केट में खरीदने जाओगे तो क्या खरीदोगे इस प्रोडक्ट को या सोचोगे यार नया 2023 की मैन्युफैक्चरिंग का प्रोडक्ट मिल जाए खरीदोगे मार्केट से ये प्रोडक्ट को या नहीं जो बना है 2020 में चार सालों के हालांकि अभी एक्सपायर नहीं हुआ है प्रोडक्ट स्टिल पुराना है थोड़ा क्या प्रेफ़र करेंगे आप इस प्रोडक्ट को खरीदना यूजली जो कस्टमर्स होते हैं वो फ्रेश स्टॉक खरीदना प्रेफर करते हैं हम लोग मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं कि प्रोडक्ट फ्रेश होना चाहिए दूसरा अब देखो दूसरी सिचुएशन आप मार्केट गए एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदने आपको रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट लेकिन वो प्रोडक्ट वो फ्रेग्रेंस हो सकता है मार्केट में अवेलेबल नहीं है वो सोप वो फेस वॉश या कुछ भी चीज है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है तब आप क्या करेंगे क्या आप दूसरा ले लेंगे खरीद लेंगे आपकी कोई सेंसिटिविटी ऑफ स्किन है ऐसा कुछ है तो वो 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 एक्सेप्शनल सिचुएशन हटा दें इन जनरल अगर वो प्रोडक्ट आप मार्केट में खरीदने गए एंड दैट प्रोडक्ट वाज नॉट अवेलेबल इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन व्हाट आर यू गोइंग टू डू आप क्या करोगे उस सिचुएशन में कि आप दूसरा प्रोडक्ट मार्केट से ले आओगे वेट कैसे करोगे है मतलब अगर फेस वॉश लेने गए हो मार्केट में नहीं मिल रहा है तो मुंह नहीं धोगे क्या चार दिन तक या वेट करोगे वो कंपनी का प्रोडक्ट हफ्ते भर बाद आएगा तभी हम मुंह धोएंगे क्या करोगे नहीं मिल रहा यार मार्केट में प्रोडक्ट ले लेंगे ना अपन प्रोडक्ट

अब देखो इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन जस्ट इन टाइम अप्रोच क्या कहती है कि जिस टाइम पे प्रोडक्ट की डिमांड है कस्टमर जिस टाइम डिमांड करो करेगा उस टाइम पे प्रोडक्शन करो ना उसके पहले ना उसके बाद में यानी जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन करने की कोशिश करो अगर देखो आपने मान लो अब आप रॉ मटेरियल पहले लेकर के बैठ गए खरीद के कि भाई जब डिमांड होगी उस हिसाब से प्रोडक्शन करेंगे ना अब इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन आप रॉ मटीरियल लेके बैठे हैं तो इसकी भी तो कॉस्ट है ना वेयर हाउसिंग की है ना वेयर हाउसिंग की कॉस्ट होती है तो हम क्या कह रहे हैं भाई वेयर हाउसिंग की कॉस्ट लगा रहे हो या तो खराब हो जा रहा है आपका रॉ मटीरियल रखे रखे खराब हो जाएगा ना उसमें पता चला चूहा हुआ खा गया उसको या कुछ भी हो गया पानी चला गया आग लग गई कुछ भी ऐसा हो रहा है तो बोल क्या रहे हैं भाई सबसे पहले काम करो डिमांड देखो कब होती है तब प्रोडक्शन करो और जब प्रोडक्शन करना है ना तब रॉ मटेरियल लेकर के आओ जस्ट इन टाइम अप्रोच कहती है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग आ जाती है नेक्स्ट ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग कहती है कि जो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनके कॉस्ट मेजर करो इनको लेके आने की इनको ट्रेनिंग देने की इनको रिटेन करने की कुछ कॉस्ट होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो देखने की कोशिश करो कि क्या कॉस्ट होती है इसकी चाहे रिक्रूट की हो चाहे सेलेक्ट करने की हो इनको ट्रेनिंग मिलती है इनको हम कह सकते हैं रिटेन uh, किया जाता है इनको कुछ स्किल्स वगैरह इनहस करी जाती है तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या होगी एक ऐसी जिसके तहत तो आप क्या कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सिस जो आपके पास में ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल है वो बताते हैं कि भाई वो किस कॉस्ट की है यानी उनकी क्या कॉस्ट है क्या वर्थ है क्या वैल्यू है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम लोग की तरीके से ट्रीट करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज को कहीं ना कहीं ह्यूमन रिसोर्स में जो जो आप कह सकते हैं 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 हम हम कॉस्ट लगाते इसको भी इन्वेस्टमेंट तरीके से ट्रीट करते है. कि आज आप एक अपने एम्प्लॉई के ऊपर पैसा लगा रहे हैं इनको आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कहीं ना कहीं बदले में आपको क्या मिलता है आपको बदले में कहीं ना कहीं क्या मिलेगा उससे प्रॉफिट मिलेंगे ठीक है नेक्स्ट आ जाते हैं एनवायरमेंटल अकाउंटेंसी एनवायरमेंटल अकाउंटिंग uh, क्या कहती है कि आप देखिए बिजनेस यू आर डूइंग इसका एनवायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है जैसे आप कोई प्रोसेस uh, यूज करते हैं जिसके तहत आप प्रोडक्शन कर रहे हैं इससे कोई फ्यूम्स निकल रही हैं जिससे मान लेते हैं ग्रीन हाउस गैसेस का प्रयोग हो रहा है ग्रीन हाउस गैसेज जो है निकल रही हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ऐसा कुछ हो रहा है तो एनवायरमेंटल अकाउंटिंग कहता है कि आप क्या करने की कोशिश करिए ओवरऑल आपका जो भी बिजनेस है उसमें आप देखिए एनवायरमेंट को कितना हार्म

So, आज हमने बहुत सारे टॉपिक्स का रिविजन करने की कोशिश करी है मेरे ख्याल से आपको सेशन जो है वो अच्छा लगा होगा सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा चैनल को डेली बेसिस के ऊपर एक बजे यहां पे हम लोग मिलते हैं जहां पे हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चन सारी चीजें कवर अप करते हैं ये जो वन शॉर्ट वन शॉर्ट रिविजन मैराथन है ये आपकी कंटिन्यूड रहेगी यानी इसको मैं रेगुलर इंटरवल्स पर आपके लिए लेके आऊँगी अपकमिंग एग्जामिनेशन के पहले पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट मैं जैसे ही ये सेकेंड वाला पार्ट आपका ले करके आऊँ आपको नोटिफिकेशन उसकी मिल जाए डेली एक बजे मैं यहाँ पे लाइव आती हूँ एक बजे आपको मेरे साथ में जुड़ना है इससे रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कशन करेंगे और भी बहुत सारे यूनिट्स के हम लोग रिविजन करने की कोशिश करेंगे इसी तरीके से सारी दस यूनिट्स के टॉपिक्स लेंगे और उसको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे आज का सेशन मैं यहीं पर आपका एंड करूंगी एंड हम लोग इस सेशन को अगेन फर्दर और कंटिन्यू करेंगे ऐसे ही बहुत सारे रिविजन मैराथंस के लिए आपको क्या करना है अर्डर ट्वेंटी के इस चैनल को सब्सक्राइब करना है जहाँ पे मैं डेली एक बजे आपके लिए कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के टॉपिक्स लेकर के आती हूँ इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दी अपकमिंग जून एग्जामिनेशन या दिसंबर एग्जामिनेशन आप यूजीसी के मेरे मेगा पैक्स के अंदर एनरोलमेंट कर सकते हैं करना क्या है आर आर की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाइए या ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर दीजिए एंड यू में मेरे कॉमर्स के मेगा पैक के अंदर आप इनरोल कर सकते हैं जहाँ पे मेरी कॉमर्स एंड पेपर वन दोनों की लाइव क्लासेस लाइव कोर्सेज आपको अवेलेबल रहेंगे कोड यूज़ करेंगे वाई सेवन सिक्स जीरो फॉर एक्स्ट्रा सेवेंटी सेवन परसेंट डिस्काउंट यू नेट के मेगा के ऊपर हाँ जी बिल्कुल काजल मैं बीच में भी इसको प्लान आउट कर लूंगी आप चिंता मत करो उसकी मैं बिल्कुल इसको बीच में भी प्लान आउट करूंगी कल वापस से मिलेंगे हम लोग एक बजे ओनली ऑन यूजीसी नेट टाइम ट्वेंटी फोर सेवन सेशन होपफुली अच्छा लगा होगा तो शेयर भी कर देना सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये सेशन जो है वो हमारा पहुंच सके बाय टेक केयर एवरी